श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्री संत सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानावृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारु वंदे वाणी विनायको। अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यक्ष वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम् तामधेनु शीर्षा वंदे भूत भव्यस्य मातरम्। अतुलित बलधामम् स्वर्ण शैलावदे धनुजुवन कृशानम् ज्ञानीनाम प्रगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणाम अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर
असुविचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्रियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किए नाश ही विघन अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर्यदास के श्याम। जय नरसी के सांवरिया तुलसीदास के राम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय। गाइए सभी गाइए राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जहि विधिनाथ होए हित मोरा जहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास राम।
राम रे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम रे, जय सिया राम, जय सिया राम रे, जय सिया राम, जय सिया राम, करो हाथ उठा के हरिओ सुधार सफान की अब इन नैनन में सदा प्यास रहे। भगवंत कृपा का ही भरोसा रहे, नहीं और किसी की आस रहे। ये राम नाम पड़े कानों में, जब लो या शरीर में श्वास रहे। रोगी तन मैली मत, चित्र की विचित्र गति, मन में न भाव, राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्ति पद दायक जो विमल विधान है। तब हूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है। प्रभु है कृपालु, कृपामयी है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। प्रभु है कृपालु, कृपामयी है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की जय। सकल सुमंगल दायक, सकल रघुनायक गुण गान,
आया सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु विराजय आन सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु विराजय आन सिंधु बिना सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल यान अतल सुमन गलदायक दायक सतल सुमन गलदायक दायक सकल सुमन सकल सुमन सकल सभी लोग अपने मन को एकाग्र करें। बड़े ही समाहित चित्त होकर के हम लोग आज कथा का विश्राम दिवस है। 8 दिन निकल गया, आज 9वां दिन है। इठाई को नहीं बड़े हो क्यों भाई? ठर ठर बड़े हो गए। 9 दिन या शुरू निकल गए महाराज। देखो नारायण, हालांकि विचार करके देखें तो अभी कथा बहुत बाकी है। अभी हमारे हिसाब से तो भी 1 महीना कथा और हो जाएगी। अभी हम 1 महीना और कह सकते हैं, क्योंकि पूरा किष्किंधा कांड बाकी है, सुंदर कांड बाकी है, लंका कांड बाकी है, उत्तर कांड बाकी है। अब बताओ महाराज, अब आप हमारी भी तो मजबूरी समझो महाराज। हमने कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई आपको, नहीं तो अगर ठीक से कही जाए तो 9 दिन में तो केवल बालकांड ही हो पाता है। लेकिन सब प्रसंगों को स्पर्श करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको छू लेंगे, सब किसी को कह लेंगे, किसी को प्रणाम करके आगे चले जाएंगे, करना ही पड़ेगा ना। तो आज पूर्णता का दिवस है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा। बोलो भैया, अच्छा देखो, बोलो परमात्मा पूर्ण है कि नहीं है? परमात्मा पूर्ण है। अच्छा विचार करना, जब परमात्मा पूर्ण है तो उसकी कथा अपूर्ण कैसे हो सकती है? वो तो जहां तक भी हो जाए वहां तक पूर्ण ही है। पूर्ण परमात्मा की कथा कभी अपूर्ण कैसे हो सकती है? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको सब प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर ले। बाकी आज आप लोगों को राजधानी में बैठना है महाराज, अच्छी दिन स्टॉपेज कम मिलेंगे महाराज आपको, इसलिए बड़े समाहित चित्त होकर के बैठे। इधर उधर चित्त बिल्कुल ना जाए, केवल आप ध्यान देकर के कथा सुने। पिछले 8 दिनों से हम लोग कथा सुन रहे हैं, आज 9वां दिन है, और इसी दोहे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण, भगवान के जो गुणानुवाद है, भगवान की जो कथा है, भगवान के जो चारु चरित्र हैं, ये जीवन में हर प्रकार से मंगल करने वाले हैं महाराज। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, अमंगल तो कोई नहीं चाहता महाराज। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति तो ऐसी है महाराज, यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। अब लोगों की विचारधाराएं बदल गई महाराज।
अब तो स्थिति यह है कि नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है ऊपर वाले को पता ही नहीं है, अच्छा पता भी नहीं उसे मतलब भी नहीं है, हमें क्या मतलब है कोई मरे चाहे जिए ये भी नहीं खबर। एक सज्जन हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी हमारे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते थे, बोले उनके पिताजी गुजर गए, और बोले गुरुजी हमको तो एक महीने बाद पता चला कि पिताजी गुजर गए। हमने कहा हद हो गई तुम भी, तुम चौथे वाले पे क्या रहते हो, तुम नीचे देखते ही नहीं हो। बोले गुरुजी टाइम ही नहीं है, सुबह निकल जाते हैं 6 बजे रात को घुसते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि मेरा भी मंगल हो और तुम्हारा भी मंगल हो। देखो हमारे यहाँ सूत्र क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्यों भाई, ये नहीं कहा गया कि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। क्या मतलब है इसका, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि मैं सुखी हो जाऊं। हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया बोले सभी निरोगी हो, किसी को भी रोग ना हो महाराज। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारे यहां जो प्रार्थना की जाती है वो समग्र सृष्टि के लिए की जाती है महाराज, क्योंकि अपनी जो संस्कृति है वो वसुदेव कुटुंबकम की है महाराज, कि पूरी धरती ही अपना परिवार है। अच्छा किसको पराया कहे, किसको अपना कहे महाराज, या तो सब अपने ही है, अगर आप ठीक है तो सब ठीक है महाराज। देखो तो हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो भगवान के जो गुणानुवाद है वो जीवन में मंगल की सृष्टि करते हैं महाराज। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणवान। और जो इन भगवान के चारों चरित्रों को जो आदर पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वो बिना ही जहाज के भवसागर से पार हो जाते हैं। क्योंकि अपने जीवन का एक लक्ष्य हमको यही बनाना है कि इस संसार सागर से हमको पार जाना है, नहीं तो भव बिगार में पड़े रहेंगे। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में, बोले भैया राम कहत चलो भाई रे, नाही तो परी हो भव बिगार में, छूटत अति कठिनाई रे। मर जी पुराने जमाने की बात है, जैसे कुछ लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया जाता था महाराज, चल ये काम करो, और दिन भर उससे काम लिया जाता था और शाम को उसे कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती थी महाराज, उसको कहते हैं बेगार। इसको बेगार कहते हैं कि काम भी किया और मजदूरी भी नहीं मिली। भाई पहले के जो बड़े बड़े लोग थे वो छोटे व्यक्ति से ऐसे ही काम लेते थे, चल ये काम करो हमारा ये, अब वो कर देता था लेकिन उसको मजदूरी नहीं देते थे। तो आज गोस्वामी यही शब्द कह रहे हैं, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो परी हो भव बिगार में, कि संसार के बेगार में पड़े रहोगे और पड़े तो रहोगे, सारी जिंदगी संसार में रहोगे लेकिन अंत में मिलने वाला कुछ है नहीं महाराज। तो भैया राम राम कहते चलो और आगे बढ़ते चलो महाराज, छूट तो अति कठिनाई। तो जो इन कथाओं का आश्रय करते हैं, जो सत्संग का आश्रय करते हैं, वो सहज ही भव सागर से पार हो जाते हैं महाराज, क्योंकि ये कथा जो है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। मैं हमेशा पहले दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं, हम लोग साक्षात राम जी की गोद में बैठे हैं महाराज। ये कथा जो है भगवान का ही स्वरूप है नारायण, भगवान की ये मंगलमयी कथा जिसका कि आज पूर्णता का दिवस है। तो आइए अब ज्यादा कुछ न कहते हुए कथा को विराम की ओर अब ले चलो। कहने को तो बहुत कुछ है और आप लोग भी सुनने के लिए बड़े आतुर हैं,
लेकिन समय का अभाव है, क्या करें, चल आइए। कल कथा कहां तक हो गई थी? कल हम लोगों ने शबरी मैया का चरित्र देखा और श्रवण भी किया महाराज जी, बहुत सुंदर दिव्य झांकी का आप लोगों ने दर्शन किया। और भगवान शबरी मैया से यही कहते हैं, क्या कहने लगे, मां मैं केवल और केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता, मानो एक भक्ति करनाता, सुन भामिनी बाता और मानहु एक भक्ति कर। बोले मैं तो केवल अपने भक्त से केवल भक्ति का नाता मानता हूं और मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, उसकी जाति क्या है, पवित्र है कि नहीं है, जाति पात की कुल धर्म बढ़ाई। तो अभी आप लोगों ने कथा सुनी होगी कर्मा बाई की, तो अभी तारी सुननी है महाराज कर्मा बाई, भक्तमाल में कथा आती कर्मा बाई की है। सवेरे सवेरे 4 बजे उठती थी, नाना धोना बाकी साफ सफाई, तो बाद में सबसे पहले ठाकुर जी के वास्ते खिचड़ी चढ़ा दी थी महाराज 4 बजे, और पाछे दातुन करती। देखो भाई ध्यान देके सुनना, वो नीम की दातुन छाल लेकर के, और बीच बीच में खिचड़ी भी देखती रहती थी, और जो कहीं खिचड़ी हिलाने का नंबर आता था वो खिचड़ी हिलानी है तो उसी दातुन से हिला देती थी महाराज, हाँ हाँ उसी दातुन से हिलाती थी। और ठाकुर जी साक्षात जगन्नाथ भगवान स्वयं सामने बैठ करके खिचड़ी का भोग लगाते थे महाराज स्वयं बाबा। एक दिन क्या हुआ, अब देखो ध्यान देके सुनना, एक दिन एक बाबा जी एक संत जी उस कर्माबाई के घर रात को रुके। अब रात को रुके हैं तो स्वाभाविक है कि सवेरे की सारी क्रियाएं देखी होंगी। उन्होंने क्या देखा कि अरे ये कर्माबाई क्या करती है, नहाई ना धोई ना रसोई साफ करी ना बर्तन साफ किए, और उसी बर्तन में खिचड़ी चढ़ा दी और दातुन से हिला दिया। अरे बोले राम 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 राम, ये क्या करती है। तो उसको समझाया कि अरे भाई तू कहीं करे, नहा धो करके रसोई साफ करनी चाहिए, बर्तन साफ करने चाहिए हैं, और बढ़िया जो है ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर ऐसे सब भूता क्यों खिलाती है भगवान को। ठीक है महाराज जी कल से ऐसा ही करेंगे। अब तो महाराज वो सवेरे उठी, सबसे पहले तो महाराज अपनी क्रियाओं से निवृत्त हुई, नहाई, फिर उसने महाराज जो है अब अपने नहाने धोने में ही महाराज 5 बज गए। अब ठाकुर जी तो रोज 5 बजे खाने के लिए आ जाते थे, और आज जब ठाकुर जी 5 बजे खिचड़ी खाने के लिए आए तो क्या देखा कि कर्मा बाई तो स्नान कर रहे हैं, नहा रही है। ठाकुर जी पाछे लौट गया, 1 घंटे बाद पाछे फिर 6 बजे आया, और 6 बजे ठाकुर जी का ही देखिया कि अभी तो रसोई की सफाई हो रही है, अभी तो चूल्हो साफ करे। ठाकुर जी पाछे फिर 7 बजे आया, बोले अभी तो चावल साफ कर रही है। तो भाई फिर ठाकुर जी 8 बजे आया, बोले अब तो खिचड़ी इसने चढ़ाई है। महाराज 9 बज गए, 10 बज गए, ठाकुर जी ने खिचड़ी मिली महाराज 11 बजे, से साफ सफाई करने में से बढ़िया 11 बज गया महाराज कटे। ठाकुर जी 5 बजे जीमता, अब कितना बज गया, 11 बज गया। अब ठाकुर जी महाराज ने दोनों सोर जीम तो लिया, जल्दी जल्दी आया, खिचड़ी मुंडे माते लगी रह गई महाराज, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के भोग की घंटी बज गई। अब ठाकुर जी को वहां मंदिर भी तो पहुंचना है, मंदिर को छोड़कर के ठाकुर जी खिचड़ी खाने आए थे। दौड़ करके मंदिर में पहुंच गए तो पुजारी जी ने मुंह पर लगी हुई खिचड़ी देखी तो पूछी, जय जय खिचड़ी कहां से खा के आए हो।
अरे बोले कर्मा भाई क्या खा के आए हैं? अरे तो कम से कम मुंह तो साफ कर लेते, खिचड़ी मुंह पे लगी हुई है। अरे बोले आज बड़ा लेट हो गया, आज जल्दबाजी में खाई है, इधर से तुम लोगों ने घंटी बजा दी, बठे में जीम रहा, इधर से थे लोग ताली बजा दी, जड़ी ताली बाजी तुम्हें बाजियो। तो पुजारी जी ने कहा जय जय, आप कर्मा भाई के खिचड़ी खाने क्यों जाते हैं? आपके भंडारे में कोई कमी है क्या? अब वहां क्यों खाने जाते हैं? यहाँ कोई कमी थोड़ी, यहीं खाया करो आराम से, आपको जितने बजे चाहिए उतने बजे खिचड़ी मिल जाएगी आपको। बोले नहीं नहीं, मुझे कर्मा भाई के हाथ की बनी खिचड़ी खाने बड़ा आनंद आवे। कोई मन जी जी सोर हो जाए मन, कोई भावे माने तो। हाँ, लेकिन भगवान ने पुजारी जी से कहा कि जाओ जाकर के जो कर्मा भाई के यहाँ पर जो महात्मा जी ठहरे हैं ना, उनसे जाकर के कह दो कि जो बातें कर्मा भाई को बताई है वो सब वापस ले ले, और उससे कह दे कि तू जैसे बनाती थी वैसे ही बना लो। पुजारी जी ने आकर के सारी बात ठाकुर जी की महात्मा जी को बताई, तो महात्मा जी कर्मा भाई के चरणों में गिर गए, उसके चरणों में प्रणाम किया, कहा कि भाई मैंने जो तुझको नियम बताए हैं तू सारे नियम छोड़ दे और तू पहले जैसे बनाती थी वैसे ही बना। महात्मा जी ने कहा जब भगवान को खाने में कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भला क्या है? ठाकुर जी प्रेम से जी रहे तो हमें क्या दिक्कत है? उनको कोई ऐतराज नहीं तो हमें क्या ऐतराज है? तू जैसे बनाती वैसे बना। देखो ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कर्मा भाई के पास कोई पवित्रता नहीं थी लेकिन भक्ति थी महाराज। तो भगवान ने क्या देखा? उसकी पवित्रता देखी कि भक्ति देखी महाराज? उसकी पवित्रता नहीं देखी भगवान ने, उसकी भक्ति देखी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कोई बहुत ऊंचे कुल की भी नहीं थी शबरी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम जाति की थी लेकिन भगवान ने कुछ नहीं देखा। भगवान ने कहा मानव एक भक्ति कर नाता, भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया और अंत में साधु संत महात्मा राम जी के पास आए। बोले महाराज, बोले सरकार सरकार आपसे विनती है। बोले क्या? बोलो। बोले हम तो ये सोच रहे थे कि आप पहले हमारे आश्रम पर आओगे, शबरी के आश्रम पर बाद में जाओगे, लेकिन आप पहले शबरी जी के यहाँ पर आए हैं। बोलो कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो उन साधु संतों ने प्रभु से कहा प्रभु जिस सरोवर में हम नहाते थे ना उसका जल जो है रक्त बन गया है, खून बन गया है, आप एक कृपा करोगे अपना चरण उसमें स्पर्श करा दो तो वो रक्त जो पुनः निर्मल जल बन जाएगा, हम स्नान कर लेंगे। हमको बड़ी दिक्कत होती है स्नान करने में, तो बहुत दूर जाना पड़ता है। भगवान ने कहा चलो। शबरी को साथ में लेकर के गए और भगवान ने अपना चरण नहीं छुलाया, क्या कहा शबरी से? कहा शबरी तुम अपना चरण जो है, अपना पैर जो है इस सरोवर में डालो। और शबरी ने नाना करती करती भगवान ने बहुत आग्रह किया और शबरी ने जैसे ही अपना पैर उस सरोवर में स्पर्श कराया, शबरी के पैर स्पर्श करते ही जो सरोवर का जल रक्त बन गया था वो पुनः निर्मल जल बन गया। भक्तमाल में लिखा है अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी के पद पर सत शुद्ध भयो सर नीर। इस सरोवर का जल जो है पवित्र हो गया महाराज। और जाते जाते क्या पूछते हैं, जनक सुता के सुध भामिनी जानो कहो मुहि करिवर गामिनी। अगर सीता जी के बारे में कुछ पता हो तो बताओ। शबरी मैया कहती है प्रभु आप यहां से जाइए, पंपा सरोवर मिलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पंपा सरोवर कर्नाटक में है हमारा, हम तो एक बार दर्शन करने गए थे तो वहीं पर ये बाली गुफा, सुग्रीव गुफा, पंपा सरोवर वहीं है। कर्नाटक में जगह पड़ती है हुबली, सुना होगा आप लोगों ने, हमारा होस्पेट जंक्शन है, वहीं से पास में है हमारा, गंगावती के पास है, उसको किष्किंधा कहते हैं हमारा। हम एक बार दर्शन करने गए, बड़ा बड़ी रमणीक जगह, बहुत अच्छी जगह है, बहुत रमणीक जगह है। और वहीं पर अंजनी पर्वत भी है जहां पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है, 1500 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, उसको अंजनी पर्वत कहते हैं, बड़ी रमणीक जगह है, बहुत अच्छी जगह है।
तो आप वहां पर जाइए पंपा सरोवर पर, तो पंपा सरोवर पर आपको सुग्रीव से मित्रता होगी, वो आपकी कुछ ना कुछ सहायता जरूर करेंगे। भगवान यहां से आगे चले, अब देखो भगवान यहां से आगे चले तो भगवान के हाथ में धनुष बाण है, सीता जी का तो हरण हो गया है, दोनों भैया राम और लक्ष्मण जब जंगल के रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो जो है ना हिरन, हिरन हिरन भागने लगते हैं। अब हिरन तो वैसे ही बड़ा संकुचित स्वभाव के होते हैं, कोई उनके नजदीक जाए तो दूर भाग जाएंगे, जल्दी पास में नहीं आते हैं। तो भगवान को देख करके हिरन भागने लगे तो उनकी हिरनियां उनको क्या समझा रही हैं? उनकी हिरनियां उनको समझा रही है कि तुम मत भागो, ये तुमको मारने नहीं आए हैं, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। बोले ये तो सोने के हिरण को ढूंढ रहे हैं, तुमको थोड़ी मारेंगे। मानो ये हिरनियां राम जी पे व्यंग कर रही हैं, ये कमेंट है, ये राम जी पे व्यंग है। मानो हिरनियां कहना चाहती है कि देखो ये सोने के हिरण के चक्कर में पड़ गए और पीछे से इनकी धर्मपत्नी को कोई राक्षस उठा करके ले गया। तुम घबराओ नहीं, ये तो सोने के हिरण को ढूंढ रहे हैं। राम जी को बड़ा खराब लगा कि ये तो हमारा हमारे बारे में कैसे बोल रही है हिरनियां। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाओ, सबको समाप्त कर दो। और जैसे लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया तो प्रभु ने हाथ रोक लिया, बोले नहीं रहने दो लक्ष्मण, मैं इनको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि तो इनके नेत्रों के समान ही मेरी जानकी के नेत्र है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी कैसी है? मृग नैनी है। सीता जी के जो नेत्र है वो हिरनी के जैसे हैं, मृग जैसे हैं। भगवान यहां से आगे की यात्रा करते हैं महाराज, भगवान विलाप कर रहे हैं। अच्छा देखो, भगवान के रोने से भी शिक्षा मिलती है महाराज। देखो भाई, तो भाई जब भगवान चित्रकूट में गए, ध्यान दे के सुनना मेरी बात, जब भगवान चित्रकूट में गए तो साथ में सीता जी भी थी और लक्ष्मण जी भी थे, और राम जी बहुत ठाट बाट से रहे चित्रकूट में। चित्रकूट के साधु संतों ने सोचा कि राम जी की गृहस्थी कितनी बढ़िया है। क्यों भाई? ये गृहस्थी कितनी बढ़िया। अच्छा शुरू शुरू में बढ़िया लगती है महाराज। एक जन हमको कह रहा था, बोले महाराज गृहस्थी शुरू में तो बड़ी चकाचक लगती है। कैसी लगती है? नई नई शादी हुई हो महाराज, एक दो साल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरा चकाचक का उल्टा करना, जरा जरा क्या बनेगा? क्यों भी जरा चकाचक का उल्टा करो, कच्चा कच्चा। शुरू में बढ़िया लगे महाराज, बाद में तो फिर कच्चा कच्ची कच्चा कच्चे महाराज। देखो भाई, इन चित्रकूट के साधु संतों ने देखा, बोले रभा राम जी की गृहस्थी तो बहुत बढ़िया है, और राम जी भी बाबा जी हैं, संत हैं, और इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी भी है, और देखो कितना बढ़िया जीवन है। सारा काम सीता जी करती हैं, राम जी तो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इन चित्रकूट के साधु संतों के मन में एक बात आई, बोले अगर एक एक धर्मपत्नी हमें भी मिल जाए बहुत अच्छा हो जाए। बोले सारे काम वो करेगी, हम तो केवल बैठे बैठे माला खुटखुटाएंगे, माला भजन करेंगे भगवान का। लेकिन कुछ संतों ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, अब तुम्हें इस उम्र में कन्या कौन देगा, इस उम्र में स्त्री कहां से मिलेगी, इस उम्र में शादी कैसे होगी तुम्हारी। तब एक संत ने कहा, बोले उपाय है क्या? बोले तुम हथौड़ी और छेनी लेकर के पत्थर काटो, पत्थर की तो कोई कमी है नहीं। बोले पत्थर काटो, उससे क्या होगा? बोले तुमने सुना नहीं कि राम जी ने पत्थर पर पैर रखा तो पत्थर क्या बन गया, स्त्री बन गया ना। अहिल्या माता की जो पत्थर बन गई थी उस पर पैर रखा तो उस जड़ता से मुक्त हो गई,
जड़त्व से मुक्त हो गई, चेतन चैतन्यता आ गई महाराज। तो तुम तो एक काम करो, हथौड़ी छेनी लेकर के पत्थर काटो, और जब पत्थर कट के तैयार हो जाएंगे तब एक दिन राम जी को बुला लाएंगे और पैर रखवा लेंगे, तो एक एक धर्म पत्नी सबको मिल जाएगी। अब महाराज ये महात्मा लोग देखो, ये माला झोली छोड़ करके, भजन छोड़ करके, अपने अनुष्ठान नियम को छोड़ करके क्या करने लगे, अब हथौड़ी छेनी लेकर के महाराज पत्थर कूटे, महाराज पत्थर काटे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये चित्रकूट के साधु संतों को क्या हो गया, ये भजन वजन छोड़ करके और जो है पत्थर काटने में लगे। हमारे महाराज जी हमको बता रहे थे एक बार, बोले एक महात्मा जी अपना आश्रम बनवा रहे थे, आश्रम ठीक है, तो आश्रम ऐसी जगह बन रहा था कि जहां तक सामान नहीं जा सकता गाड़ी से, तो गाड़ी वाला ट्रक वाला तो पहले ही उतार जाता था सामान, तो गधे पे लाद करके वो सामान जाता, तो गधे पे ही आता था। अब महात्मा जी बाहर बैठे कॉपी पेन लेकर के और हिसाब लिख रहे हैं, तो एक बगल वाले संत ने आए थे बहुत दिनों बाद मिलने के लिए, और कहो बाबा जी भजन कैसा चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। बोले भैया क्या बताएं, जब से आश्रम के चक्कर में पड़े हैं, पहले तो माला लेकर के बैठते थे तो माला गिनते थे, इतनी माला हो गई, इतना भजन हो गया। बोले अब तो बैठे बैठे गधे गिन रहे हैं कि कितने गधे मिट्टी आ गई, कितने गधे ये आ गया, कितने गधे, बोले अब तो गधे गिन रहे बैठे बैठे। आज चित्रकूट के साधु संत भी हथौड़ी छेनी लेकर के पत्थर काट रहे, बोले एक दिन राम जी को बुला लाएंगे, सब स्त्री बना देंगे वो। लेकिन इतने में किसी ने क्या देखा कि राम जी तो रो रहे हैं। अरे बोले ये रो क्यों रहे हैं, तो किसी ने बताया, बोले इनकी धर्मपत्नी को कोई राक्षस उठा करके ले गया। अच्छा तो बोले क्यों भी, एक बात बताओ, शादी करने के बाद रोना भी पड़ सकता है क्या। तो किसी महात्मा ने कही, बोले देखो रोना ही ज्यादा पड़ेगा, हंसना तो कम ही रहेगा, देख लो भाई। उसने कहा सुनो, जब राम जी की धर्मपत्नी को कोई उठा करके ले जा सकता है तो हमारी भी तो लेकर के जा सकता है। अब जैसे ये रो रहे हैं तो एक दिन हमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। तो बोले भैया जब बाद में रोना ही है तो छोड़ो, जितने पत्थर काटे थे सब मंदाकिनि में बहा दी। बोले हमें नहीं रोना, हम क्यों रोए भाई। देखो राम जी के रोने से भी शिक्षा मिल रही है, राम जी की प्रत्येक क्रिया से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। उनके रोने में शिक्षा है, उनके हंसने में शिक्षा है, उनके चलने में शिक्षा है, उनके बात करने में शिक्षा मिल रही है कि सामने वाले से कैसे बात की जाती है। उनके झुकने से, उनके सम्मान करने से हमको शिक्षा मिल रही है, हमें अपने बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। तो देखो नारायण, ध्यान देकर के सुनना, ये भगवान की ऐसी लीला है, प्रत्येक क्रिया से भगवान की शिक्षा मिल रही है। भगवान यहां से आगे चले और एक दिन नारद जी भगवान के पास आए हैं, और नारद जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मोर श्राप कर अंगीकारा, मेरे श्राप को आपने स्वीकार करके और आप ये जंगल में भटक रहे हैं। भगवान हंसने लगे, बोले ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप अपने ऊपर मत। आज नारद जी पर भगवान बहुत राजी हुए, बोले जो इच्छा हो सो मांग लो। तो नारद जी ने क्या मांगा प्रभु से, राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन बिमल बसहि भगत उर व्योम। बोले प्रभु ये राम नाम जो है सब नामों से बढ़ करके हो जाए, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। अब भगवान यहां से आगे चले, यहीं पर अरण्य कांड विश्राम लेता है और कथा प्रवेश करती है। अब तो भैया आज तो कथा ऐसी होगी भाई, सुन लो भाई, आज तो तू चल और मैं आई, भागम भाग होगी यहां से। अब भगवान किष्किंधा कांड में पहुंचे और बाबा जी लिखने लगे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया।
पर्वत नियराया, देशमुख पर्वत नियरा आया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, राम राम राम। अब देखो ये कथा बड़ी प्यारी है, क्यों प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का और राम जी का मिलन होने वाला है महाराज। बस अब थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज एंट्री करेंगे, इसलिए ध्यान देकर के सुनना, बड़ी प्यारी कथा है महाराज। भगवान आगे चले, आगे चले बहुरी रघु राया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे और उस पर्वत पे कौन रहता है, ताहर सचिव सहित सुग्रीवा, ताहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बन सीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। उस पर्वत पे रहता है सुग्रीव, बड़े ध्यान देके सुनना। उसने जब परमात्मा को आता हुआ देखा, जब राम जी को आता हुआ देखा, तो पहचाना तो नहीं ये कौन है। उसके मन में ये संशय आ गया, ये डाउट आ गया कि बाली तो यहां नहीं आ सकता। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम है बाली। बोले बाली तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन बाली मुझे मारने के लिए किसी को भेज तो सकता है। उसको श्राप लगा है, वो इस पर्वत पे आ नहीं सकता है। यहां श्राप बस आवत नहीं, वो खुद तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन किसी को मुझे मारने के लिए भेज तो सकता है। देखो जिन परमात्मा का दर्शन करके जीव भय से मुक्त हो जाता है, भगवान स्वयं कह रहे अभयम सर्वभूते व्यो ददाम्य तेद व्रतम मम, मेरा दर्शन करके जीव भय से मुक्त हो जाता है, मैं उसको भय से मुक्त कर देता हूं। लेकिन आज परमात्मा का दर्शन करके सुग्रीव भयभीत हो गया महाराज, भगवान को देख करके डर गया और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी महाराज। अच्छा देखो हनुमान जी महाराज जो है किसके साथ रहते हैं, सुग्रीव के साथ रहते हैं, जबकि इनका अपना भी घर द्वार है। जब तक छोटे थे तो अपने पिताजी के संग रहते थे, केसरी जी के साथ, माता अंजना की गोद में रहते थे, माता अंजना के पास रहते थे, लेकिन बाद में फिर ये सुग्रीव के संग रहने लगे। उसके पीछे भी कथा है महाराज जी, ध्यान देकर के सुनना। आप ये अच्छे से जानते हो महाराज, हनुमान जी के जो गुरु जी हैं, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, वो है सूर्य भगवान। एक दिन हनुमान जी महाराज जब थोड़े बड़े हो गए, सयाने हो गए, तो सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। ध्यान दे के सुनना, सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और जाकर के उनसे क्या कहा, बोले महाराज आप हमें पढ़ाओ। सूर्य भगवान ने जब उस बालक को देखा तो बहुत देर तक तो देखते ही रहे और सोचने लगे कि इस बालक को पहले कहीं देखा है, कहीं देखा है, देखा याद नहीं आ रहा कहां देखा है। बोले देखा तो है, एकदम याद नहीं आ रहा कहां देखा है। और बहुत देर सोचने के बाद सूर्य भगवान को याद आई, अरे ये तो वही बालक है। कौन सा बाल समय रवि भक्ष लियो था, इन हो लोक भयो अनियारो, आहि सोता
दीवारों को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन राम तिहारो संकट मोचन राम तिहारो संकट मोचन राम तिहारो संकट मोचन राम तिहारो। बहुत देर देखने के बाद सूर्य भगवान को याद आ गई कि ये तो वही बालक है। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि हमें पढ़ाओ, और सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं, बोले ऐसे बालक को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। बोले क्यों? बोले न जाने कब पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, बच्चा है। बोले न जाने कब पढ़ते पढ़ते भूख लग गई तो सामने हम ही दिखेंगे। बोले ऐसे बच्चे को पढ़ाना बहुत रिस्की है, हम रिस्क क्यों ले खाएंगे बिना बात के। तो सूर्य भगवान टालना चाहते हैं, बोले ये चला जाए पढ़ाना ना पड़े। तो सूर्य भगवान ने कही कि देखो ऐसा है बेटा हनुमान, देखो हम तो दिन रात चलते रहते हैं, हमको कहीं हमारा कहीं स्टॉपेज तो है नहीं, कहीं रुकते तो है नहीं, हम तो हमेशा चलते रहते, तो हम तुमको चलते चलते कैसे पढ़ाएंगे। बोलो हनुमान जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी बोले देखो गुरुदेव, अगर आप दिन रात चलते रहते हो तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, आप चलते चलते ही पढ़ा दो हमें, लेकिन पढ़ेंगे तो आपसे। सूर्य भगवान सोचे तो छोरा ला रही पढ़ क्यों, तो पीछे छोड़े ही को नहीं। देखो ऐसा है, देखो बेटा हनुमान सुनो मेरी बात सुनो। देखो चलते चलते कैसे पढ़ोगे, अगर तुम मेरे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ हो जाएगी, बात सही है। अगर मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ हो जाएगी, और पढ़ाई कब होगी, आमने सामने बैठ के होगी ना, ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमताम वरिष्ठ। हनुमान जी बोले तो देखो महाराज हम पढ़ेंगे तो आपसे ही, तो एक काम करो गुरु जी, आप सीधे सीधे चलना, हम आपके आगे ही उल्टा उल्टा चलेंगे, हम आपके आगे आगे उल्टा उल्टा चलेंगे, तब तो आमने सामने हो जाएगा। सूर्य भगवान ने सोची वाह, बोले अभी चेला बनाया नहीं, अभी शिक्षा दी नहीं कि हमारे आगे उल्टा चलना चालू कर दिया, हमारे आगे उल्टा उल्टा चलो, बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। महाराज हनुमान जी महाराज को शिक्षा दी, सूर्य भगवान ने शिक्षा दी, पढ़ाया, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने गुरु जी को क्या देता है, गुरु दक्षिणा देनी है भाई। अब हनुमान जी चलने लगे तो बोले गुरुदेव अब हम आपको क्या दक्षिणा दें। अरे बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, पढ़ा दिए ठीक है जाओ। बोले नहीं नहीं गुरु जी बताओ ऐसे नहीं। तो सूर्य भगवान बोले बेटा तुम तो एक ही दक्षिणा दो कि जैसी कृपा बचपन में की थी ऐसी दोबारा मत करना, जैसी बचपन में की थी वैसी दोबारा मत करना। अरे अरे बोले महाराज वो बचपन की बातें हुई, वो तो बातें हो गई खत्म हो गई, वो तो अब आप जो आज्ञा देंगे मैं आपको सुधार रहे। तब सूर्य भगवान ने क्या कहा, देखो ध्यान देके सुनना। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, ये सुग्रीव जो है ये मेरे अंश से प्रकट हुआ है। सुग्रीव में किसका अंश है, मेरा अंश है, और ये थोड़ा भयभीत रहता है, ये थोड़ा भयभीत रहता है, डरा डरा रहता है। तो तुम्हें एक काम करना, का दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही दक्षिणा दो, क्या तुम मेरे पुत्र के साथ रहो और एक दिन ऐसा उपकार कर देना कि इनकी मित्रता राम जी से करा देना, तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी महाराज। और हनुमान जी इसलिए सुग्रीव के साथ रहते हैं क्योंकि अपने गुरु जी को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं, और वचन निभाया, और एक दिन हनुमान जी महाराज ने कृपा करके सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीजा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीजा, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए।
लाजपत दीना राम मिलाए लाजपत दीना देखो नारायण तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना ऐसी कृपा हनुमान जी ने करी है सुग्रीव के ऊपर। आज वही प्रसंग हम लोग सुनने जा रहे हैं। और देखो हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में प्रत्यक्ष हैं, हमारे घोटे वाले बाबा प्रत्यक्ष हैं, और मुझे तो लगता है ये राम कथा हमारे उनके सानिध्य में हुई है। महाराज इतना आनंद आया इस कथा में, निश्चित ही किसी न किसी कोने में हनुमान जी बैठ करके जरूर सुन रहे हैं महाराज, वो निश्चित है। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्ष शांत। तो हनुमान जी महाराज के चरणों में यही विनती है, क्या विनती करें? असुरो बालाजी माने थारो थे कष्ट निवारो पधारो मारे अरे अंगणिए पधारो अरे थाली में बुलावा जय जो है दरबार अरे अंजनी रा लाला दुखिया दाता अंजनी रा लाला दुखिया दाता अरे थाने जो भी आवे करो ते बेड़ा पार थाने जो भी आवे करो ते बेड़ा पार काट दो घड़ो ही दुख मारो I'm not afraid of the dark.
राखो जी मारी लाज शरण पड़िया राखो जी मारी लाज बैठा मैं उड़ी का बजरंगी थाने आज बैठा मैं उड़ी का बजरंगी थाने कृपा करी तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ रहते हैं। महाराज आज सुग्रीव ने जब आया हुआ देखा, पहचाना तो नहीं ये राम है कौन है, वो तो यही समझ रहा था बाली के भेजे हुए हैं। पठये बाली हो ही मन मेला और भागू तुरत तजू यह शैला। वो हनुमान जी से प्रार्थना करते कि हे हनुमान जी आप जाइए और जाकर के पता लगाइए कि ये दोनों कौन है। और देखो अगर बाली के भेजे हुए हो तो मुझे दूर से ही इशारा कर देना, मैं यहीं से 9-2-11 हो जाऊंगा। इशारा कर देना वहीं से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं महाराज, देखो सुग्रीव किसी और चीज में एक्सपर्ट हो जाए ना हो, लेकिन वो एक चीज में बड़ा एक्सपर्ट है। बोलो भाई, वो भागने में बड़ा एक्सपर्ट है महाराज। जैसे मौका मिलता है तुरंत भाग जाता है। आपके महाराज वाल्मीकि रामायण में हम लोग देखे हैं, पढ़ेंगे आप, जब राम जी
बंदरों को भेज रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए, तब सुग्रीव बंदरों से क्या कहता है, महाराज जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव जो है ये चलता फिरता जीपीएस है महाराज, पूरा मैप है महाराज पूरा। महाराज उसने हजारों किलोमीटर का नक्शा वहीं खड़े खड़े बता दिया सुग्रीव ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो बंदरों से कह रहा है कि वहां जाओगे देखो वहां तुम्हें ये जंगल मिलेगा, उतने आगे जाओगे तुम्हें एक संत मिलेंगे, फिर वहां आगे जाओगे तो ये नगर मिलेगा, फिर वहां जाओगे तो ये पहाड़ मिलेगा। राम जी सुग्रीव की तरफ देख रहे कि मित्र कि तुम्हें इतनी सारी ये जगह कैसे याद है, तुमने बैठे बैठे हजारों किलोमीटर का नक्शा बता दिया। बोले प्रभु आपको नहीं पता हम एक ही चीज में तो एक्सपर्ट है भाग। बोले प्रभु हम भागे बहुत है, जब बाली मारने के लिए भागता था तो मैं खूब भागता था, इतना भागा हूं कि मुझे सारे जो है पॉइंट्स याद हो गए, कहां कौन सा पॉइंट है, कौन सा सर्किल है, कहां राइट टर्न है, कहां यू टर्न है, सब पता मुझे, हम एक ही चीज में तो एक्सपर्ट है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज को भेजा, हनुमान जी आप जाइए और जाकर के पता लगाइए ये दोनों कौन है। हनुमान जी गए और कैसा वेश लेके गए, विप्ररूप धरि कपिता गए हो, विप्ररूप धरि कपिता गए हो, मात नाम सत अस भय हो, मात नाम सत अस भय हो, रूप धरि कपिता गयो, एक रूप धरि कपिता गयो, मात नाहिको छत अस भयो, मात नाहिको छत अस भयो। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेके गए। अच्छा देखो ना सुंदरकांड में भी लिखा है, जब लंका में प्रवेश किए, जब विभीषण जी से मिलने गए तो वहां भी क्या लिखा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर, मनमहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना, यही सनहट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कार्य हानि। और कैसा रूप है, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहां आए। ब्राह्मण का वेश लेकर के क्यों जाते हैं, अपने असली रूप में क्यों नहीं गए, अब कुछ पता लगाना है ना आखिरकार ये है कौन, अगर असली रूप लेकर के जाएंगे तो फिर जानकारी करने में दिक्कत होगी, इसलिए नकली रूप ब्राह्मण का वेश बना लिया। अच्छा ब्राह्मण का ही क्यों, कुछ और भी बना सकते थे, क्योंकि देखो ब्राह्मण जो है ये शगुन है, क्या है ब्राह्मण जो है शगुन का प्रतीक है ये हमारे यह समाज में पूज्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले इन महीसुरों की वंदना करी है कि ब्राह्मण जो है महीसुर है, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, ये ब्राह्मण जो है ये धरती के देवता है। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरना। ब्राह्मण शगुन है इसलिए हनुमान जी महाराज शगुन दिखाना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मण का वेश लेके जाते हैं। और आगे भी आप लोग देखेंगे जब भरत जी से मिलने के लिए अयोध्या गए हैं हनुमान जी महाराज, तो वहां भी कैसा रूप लेके गए हैं, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनी पोत। ये उत्तरकांड का दुआ है। तो देखो आज ब्राह्मण का वेश लेके गए हैं, विप्र रूप धरि कपिता गए हो, माथ नाई, माथ नाई माने तो भाई माथ माने माथा और नाई माने झुका दिया, सिर झुका करके पूछा, सिर झुका करके पूछा। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण नकली है असली नहीं है, क्या बोले नकली है असली नहीं है,
तो हनुमान जी भी अपने मन में सोच रहे हैं, बोले प्रभु आप ही कौन सा असली हो, आप भी तो नकली हो महाराज। बोले कैसे? हनुमान जी सिर झुका लिए, माथा झुका दिए। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण नकली है। बोले प्रभु कैसे पता चल रहा है नकली है? बोले वो ब्राह्मण ही क्या जो क्षत्रिय के आगे सिर झुका दिए महाराज, मुझे समझ में आ गया नकली है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने भी कहा, प्रभु वो क्षत्रिय ही क्या जो ब्राह्मण को देख करके सिर ना झुकाए, इसलिए आप भी नकली हम भी नकली महाराज। अपना सिर क्यों झुका दिया महाराज, माथा क्यों झुकाया? देखो जैसे ही राम जी को देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि ये झांकी तो मेरे हृदय में रहती है, ये झांकी तो मेरे हृदय में रहती है, क्योंकि प्रणवम पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी ने सोचा ये झांकी तो मेरे हृदय में रहती है, बाहर क्या कर रही है? कहीं ये है को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन वीरा। देखो ध्यान देकर के सुनना, ये धरती बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल है, ये आप इस कठोर धरती पर क्या कर रहे हैं? तब भगवान ने उनके प्रश्न सुन करके क्या कहा, कौशलेश दश रथ के जाए, अरे विप्र भी रही हम भोजत तेरी, विप्र भी रही हम भोजत तेरी, जैसी आराम दे सियाराम। देखो नारायण, पूछा महाराज उन्होंने तो भगवान उत्तर दे रहे, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। और यहां पर राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया। अब देखो ये तो हो गया चौपाई का सीधा सीधा अर्थ, अब इसमें जो भाव छिपा हुआ है वो सुनो महाराज। यहां हरि निश्चर वैदेही, मैं तीन लोगों को ढूंढ रहा हूं यहां पर। यहां हरि, हरि माने बंदर, हरी माने बंदर भी होता है एक अर्थ, तो बंदर को क्यों ढूंढ रहे हो? बस इसी संकेत से हनुमान जी समझ गए कि ये हमारे परमात्मा है। भैया बंदर को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले बंदर को इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। बंदर भालू ही मेरी सहायता करेंगे, मैंने सोचा कि सीता जी को तो बाद में ढूंढेंगे, पहले जिसने सहायता करनी है पहले उसको तो ढूंढे। इसलिए यहां हरि निश्चर राक्षस को ढूंढ रहा हूं। राक्षस को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी है, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण कील। यहां हरि निश्चर वैदेही और सीता जी को खोज रहा हूं। बस इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को पहचान लिया।
भगवान को पहचान लिया और पहचान करके उनके चरणों में गिर गए। और केवल चरणों में गिरे ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान को पहचान लिया, प्रभु पहचान पर उगही चरणा, प्रभु पहचान पर उगही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान लिया, हनुमान जी ने चरणों में गिर गए। शंकर जी कहते हैं इस सुख का वर्णन नहीं किया सकता। अच्छा आप विचार करना, हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे हुए हैं, लेकिन वेश कैसा है? ब्राह्मण का, अभी नकली वेश है। अब कोई अगर चरणों में गिर जाए तो भैया, जिसके चरणों में गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए बोलिए ना? उसे उठा लेना चाहिए। क्यों भाई, उठाओगे पड़े रहने दोगे? भैया उठा लेंगे, भैया उठो। अब हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिरे, खुद तो उठे नहीं और राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने उठाया नहीं, खुद उठे नहीं कि राम जी उठाएंगे, उनको लगा, लेकिन राम जी ने नहीं उठाया। महाराज चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए, लेकिन फिर भी राम जी नहीं उठाते। क्यों नहीं उठा रहे? बस यही बात समझने की है महाराज। हमारे महाराज जी ने हमको बताया, बोले इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज इस समय अपने असली वेश में नहीं है। किस वेश में है? नकली वेश में है। ये ब्राह्मण का जो वेश है हनुमान जी का, ये असली नहीं है, बनावटी है। मानो भगवान ने संकेत कर दिया कि अगर कपट लेकर के आओगे, बहरूपिया बनकर के आओगे, तो हनुमान ही क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान ही क्यों ना हो, अगर बनावटी रूप लेकर के कोई आएगा, कपट लेके आएगा, तो कोई कैसा भी हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और भगवान ने उठाया नहीं हनुमान जी को, हनुमान जी खुद ही उठे और खुद उठ करके महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने क्या कहा, जो ब्राह्मण देवता हनुमान जी सामने खड़े हैं, आपने चरित कहा में गाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। अब हमने अपनी कथा तो कह दी ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा कहो। तो हनुमान जी बोले, प्रभु कथा तो होती है भगवान की, जीव की तो व्यथा होती है, हमारी क्या होगी? हमारी व्यथा है और कथा तो भगवान की है, भगवान की है कथा और हम लोगों की है व्यथा। बोले प्रभु कथा तो मेरी है नहीं, तो मैं आपको क्या सुनाऊं, मेरी तो व्यथा है। तो राम जी ने कहा, अच्छा ऐसा है कि जो है फिर वही सुनाऊं, व्यथा ही सुनाऊं। बोले प्रभु क्या सुनाए, कथा मेरी है नहीं और आपका दर्शन करने के बाद व्यथा मेरी रही नहीं, कथा मेरी है नहीं और व्यथा मेरी अब रही नहीं, तो मैं क्या सुनाऊंगा। बस प्रभु मैंने आपसे पूछा, ये तो न्याय संगत है, मोर न्याय में पूछा साईं और तुम पूछो कस नर की नाई। मैंने पूछा ये तो मेरा न्याय है, लेकिन आप तो ऐसे पूछो जैसे साधारण मनुष्य जैसे पूछ रहे हो, प्रभु ये ठीक नहीं है। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। एक तो प्रभु मैं मंद हूं, कुटिल हूं, हृदय में मेरे अज्ञान है। ये जरा विचार करना, क्या हनुमान जी अज्ञानी है? वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या हनुमान जी कुटिल है? नहीं। तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं और उसके ऊपर भी आपने मुझे भुला दिया, ये तो और गजब हो गया। महाराज एक बात आपसे कहें, देखो
इन दोनों का जो संवाद है बड़ा विलक्षण है महाराज, बहुत विलक्षण है। इस समय जो राम जी का और हनुमान जी का जो संवाद हो रहा है बड़ा सुनने योग्य है, पढ़ने योग्य है और प्रार्थना करने योग्य है। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से क्या कह रहे हैं, प्रभु आपने मुझे भुला दिया। और इतनी प्यारी प्यारी चौपाइयां हनुमान जी महाराज राम जी से कह रहे हैं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परजन भोरे, सेवक प्रभु ही परजन भोरे, नाथ जीव तब माया भरोसे, सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे, रही असोच प्रभु पोसे, तापर में रघुबीर दुहाई, तापर भजन उपाय, नहीं जानहुँ कछु भजन उपाय, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयां है महाराज, हमको तो ये चौपाई इतनी प्रिय है महाराज, हम तो अपने ठाकुर जी की सवेरे जब आरती करते हैं ना, अपने ठाकुर जी की सवेरे आरती करते हैं तो इन चार चौपाइयों को जरूर बोलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारी छुहा, तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानो कछु भजन उपाय। मैं कुछ भजन भजन करना जानता नहीं हूं महाराज, मेरे पास साधना का बल नहीं है। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जब तुम्हारे पास कोई भजन नहीं है, साधन नहीं है, तो तुम इतने निश्चिंत क्यों रहते हो? बोले प्रभु मेरे पास साधना का बल नहीं है, लेकिन मेरे पास संबंध का बल है, मेरा आपसे संबंध है, मैं इसी बल पर निश्चिंत हूं। क्यों भाई, एक बात बताओ, एक करोड़पति बाप का बेटा अगर खुद कुछ काम ना भी करे तब भी उसका काम चलता, क्यों चलता? पिताजी तो है ना, भले खुद कंगाल है, जेब में दो पैसे नहीं, लेकिन संबंध किससे है? बेटा किसका है? करोड़पति बाप का। तो बस हम चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं किसके? परमात्मा के हैं ना, ठाकुर जी के हैं। तो देखो भाई, हनुमान जी कहते हैं मेरे पास साधना का बल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास संबंध का बल है, मेरा आपसे संबंध है और इसी बल पर मैं निश्चिंत रहता हूं, इसी बल पर मैं निश्चिंत रहता हूं, सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। प्रभु बस मुझे एक ही बात का दुख है कि आपने मुझे भुला दिया। हनुमान जी रोने लगे और पुनः अपने असली रूप में आ गए और भगवान के चरणों में फिर प्रणाम किया महाराज। देखो ध्यान दे के सुनना, अब अपने असली रूप में आ गए और रोने लगे, हनुमान जी भी रोने लगे, आंखों में अश्रु आ गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया है तो तुरंत श्री रघुनाथ जी ने तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, जय जय सिया राम, जय सिया राम राम।
कहिए महाराज। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान भी रोने लगे और भगवान ने अपने अश्रुओं की धार से हनुमान जी को भिगो दिया। अच्छा देखो एक बात है, हनुमान जी अपने को क्या कह रहे थे कि मैं मंद हूं, क्या कह रहे थे? एक में मंद। अच्छा क्यों भी, एक बात बताओ, पवन के अंदर तीन गुण होने चाहिए, हवा के अंदर कौन कौन से? शीतल हो, मंद हो और सुगंध हो। बोलो भाई, हवा कैसी हो? शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो। क्यों भी अगर हवा अगर दुर्गंधी लेके आएगी, बोलो फिर मुंह पे कपड़ा रखने पड़े, रख पड़े महाराज, थोड़ा रख कपड़ा रखने। अगर हवा दुर्गंधी लेके आएगी तुरंत मुंह पर कपड़ा रखना पड़ेगा। तो हवा में शीतलता होनी चाहिए और कैसे बहे? मंद मंद बहे, और थोड़ी सी भी तेज चलेगी हवा, अगर बहुत तेज चलेगी तो हवा नहीं है, वो क्या है? वो तो आंधी है भाई। और ज्यादा तेज आएगी तो उसको फिर तूफान कहेंगे, तूफान आ गया, आंधी आ गई। तो शीतल मंद सुगंध, हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो मंद हूं, तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुमको शीतल और सुगंधित हम बना देंगे, यही तो बाकी रह गया, अभी हम बना देंगे। और भगवान ने अपने नेत्रों का जल गिरा करके जब हनुमान जी को हृदय से लगाया तो मानो हनुमान जी गीले हो गए, तो गीले हो गए तो मानो शीतल हो गए, और भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया तो मानो सुगंधित कर दिया। अब हनुमान जी से राम जी कहते अब तुम्हारे अंदर तीनों गुण हो गए, शीतल मंद और सुगंध। और मुझे तो ऐसा लगता है आज राम जी ने हनुमान जी को ऐसा शीतल किया है, ऐसा शीतल किया है, अब हनुमान जी जहां जाते हैं सबको शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान ने ऐसा शीतल कर दिया हनुमान जी को, अब हनुमान जी जहां जाते हैं सबको शीतलता प्रदान करते हैं। देखो लंका में गए तो सीता जी ने उनसे क्या कहा है, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनी मो कहूं सो दिन सो राती, तो ही देख शीतल भई छाती। अब हनुमान जी जहां जाते हैं सबको शीतलता प्रदान करते हैं महाराज। और करुणा निधान, ध्यान देकर के सुनिएगा, आज भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया और भगवान क्या बोले, अपना मन छोटा मत करो, तो मुझको लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। क्या कहा? सुन कपि जिए मानस जनी ऊना, और ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब दूना तो समझ गए डबल, और ये जैसे ही सुना हनुमान जी महाराज के बारे में लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी के चेहरे पे 12:30 बज गए महाराज। लक्ष्मण जी ने क्या सोचा, बोले वाह साहब, दिन रात सेवा कर रहे हैं हम, इनके साथ रह रहे हैं हम, जंगल तो इनको हुआ था लेकिन साथ में कौन आए? हम। और ये अभी अभी आए और हमसे डबल हो गए, हमसे दुगने हो गए। राम जी तुरंत लक्ष्मण जी के मन की बात को समझ गए। तो देखो राम जी तो वाक्पटुता में कुशल है, राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुमने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने क्या कहा है? सुन कपि जिए मानस जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दू ना। दू ना, दू माने दो, ना माने नहीं, बोले तुम दोनों मेरे लिए दो नहीं हो, तुम दोनों मेरे लिए एक ही हो। अब लक्ष्मण जी जी शुरू हो गए महाराज, बोले चलो कम से कम लेवल बराबर तो किया कम से कम, तो पहले हमको जो है क्या कर दिया, एकदम नीचे कर दिया, इनको डबल कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा महाराज, देखो आज भगवान को हनुमान जी पे इतना लाड क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग देखो, आप लोगों ने गांव का जीवन देखा होगा महाराज, ये बात आपने जरूर देखी होगी। देखो किसी गौ माता का पहले से कोई बछड़ा हो, 1.5 साल का 2 साल का बछड़ा है, लेकिन वो गैया दोबारा ब्याई, दोबारा उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया, अब बोलो अब ज्यादा लाड किस पे रहता है, पुराने वाले पे कि नए वाले पे? क्योंकि किसको चाटती है, जो नया नया आया है ना, है तो वो भी उसका बच्चा, बोलो है कि नहीं?
और जो अभी अभी जिसने जन्म लिया वो भी उसका बच्चा है, लेकिन ज्यादा प्रेम किस पे रहता है? नए वाले पे। बस राम जी यही कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण तुम भी अपने ही हो, लेकिन हनुमान जी अभी अभी आए हैं इसलिए ज्यादा लाड आ रहा है इन पर, बाकी कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही है। भगवान के भक्त सब बराबर होते हैं। आज हनुमान जी ने कहा प्रभु बस यही एक आपके चरणों में विनती है, क्या? सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान बस यही अनन्यता बनी रहे कि मैं राम जी का हूं, और राम जी मैं तुम्हारे राम जी रो, ए जी राम जी हमारो है, मैं तुम्हारे राम जी रो, मैं राम जी का हूं और राम जी मेरे हैं। बस ये मन में भाव दृढ़ हो जाए कि मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं, प्रभु मैं कैसा भी हूं, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थारो नाथ में थारो जी। लो भाई, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी ये बुद्धि बनी हुई है कि मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं। अब हनुमान जी ने राम जी से क्या कहा? देखो हनुमान जी महाराज बड़े दूरदर्शी संत हैं। दूरदर्शी किसको कहते हैं? जो बहुत आगे की सोच करके चलता है। पहले के जमाने के लोग महाराज खूब आगे की सोच करके चलते थे, महाराज तो चलते थे कि नहीं? बोले ऐसा समय आएगा, वो पहले ही महाराज हमारे बाप दादा सारी व्यवस्था करके जाते थे। क्यों करके जाते थे? उन्हें पता था समय आगे कैसा आएगा, महाराज वो दूरदर्शी थे। तो हनुमान जी महाराज बड़े दूरदर्शी संत है। हनुमान जी ने क्या कहा? भगवान से प्रार्थना करी, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अही। वो आपका दास है, उससे चल करके मित्रता कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उससे चल करके मित्रता कर लीजिए। तो राम जी ने कहा मित्रता उसको करनी है तो मैं क्यों जाऊं? उसे बुला करके लाओ मेरे पास, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु निवेदन है आप ही चलो, वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बोले प्रभु देखो हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। हनुमान जी ने कहा प्रभु पेशेंट दो तरह के होते हैं, मरीज। बोले पेशेंट दो तरह के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक पेशेंट तो वो है जो बुखार आ गया, तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, दवाई दे दी। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? क्यों भाई? जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते तो डॉक्टर को ही घर। भैया ये नहीं जा सकता तो आप तो आ सकते हो, आप ही आ जाओ। बोले प्रभु ये सुग्रीव जो है ये दूसरे नंबर का पेशेंट है, वो चल करके आपके पास नहीं आ सकता, आप ही चल करके जाओ। अच्छा, और प्रभु एक कारण और भी है, अगर सुग्रीव चल करके मित्रता करने आएगा तो मित्रता किसको निभानी होगी? सुग्रीव को निभानी होगी। और आप खुद चल करके मित्रता करोगे, अगर सुग्रीव गड़बड़ भी कर देगा तब भी आप मित्रता को निभाओगे महाराज। आप तो निभा सकते हो लेकिन वो नहीं निभा सकता महाराज, इसलिए आप ही चलो महाराज। ठीक है ठीक है, अच्छा चलते हैं। वो रहता कहाँ है? बोले वो पहाड़ी पर, वो पर्वत पर। लक्ष्मण जी को बड़ा अजीब लगा। बोले अभी अभी हनुमान जी कह रहे थे कि ये बंदरों का राजा है। कपिपति माने क्या होता है? बंदरों का। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि बंदरों का राजा और पर्वत पे क्यों रहता है, उसको रहने को घर नहीं है क्या? नाथ शैल पर कपिपति रहा ही। मानो कहने का भाव ये है कि प्रभु आप भी जंगल में हैं और वो भी जंगल में है। आपको जंगल दिया आपके पिताजी ने, उसको जंगल दिया उसके भाई ने, सीता जी को राक्षस उठा करके ले गया और सुग्रीव की पत्नी को उसके बड़े भाई बाली ने ही रख लिया। स्थिति बिल्कुल एक सी है लेकिन एक चीज का अंतर है, प्रभु
सब परिस्थितियां एक सी हैं, लेकिन आप जंगल में रह करके प्रसन्न हैं, लेकिन वो जंगल में रह करके प्रसन्न नहीं है। ये फर्क है भाई। देखो कई बार ऐसा हो जाता है भाई कि परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं बनती। देखो इस बात को ध्यान देकर के सुनना, परिस्थितियां कभी सुख दुख का कारण नहीं बनती, हमेशा मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण बनती है महाराज। हमारी मन की स्थिति क्या है, हमारे मन की पोजीशन क्या है, वही हमारे सुख और दुख को डिसाइड करेगी महाराज। ये बहुत जीवन में काम आने वाली बात है, ध्यान देकर के सुनना। परिस्थितियां एक सी होने पर भी, परिस्थितियां एक सी होने पर भी अगर मन की स्थिति अलग अलग है, अगर मन की स्थिति अलग अलग है तो वही सुख और दुख का कारण बनती है, वही सुख दुख का कारण बनती है। आप देखो महाराज, अच्छा इस तरह से समझो इस बात को, जब हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष आता है ना, जो हमारे पितरों के दिन आते हैं, हम घर में ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं भोजन करने के लिए, ठीक है। तो एक सेठ जी के पिताजी का दिन था अगले दिन, तो अपने गुरुजी के आश्रम पर गए, गुरुजी से कहा, गुरुजी कल मेरे पिताजी का दिन है तो आप भोजन करने आ जाना गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा, देखो हम तो कहीं भोजन करने जाते ही नहीं है। अब ये दो शिष्य हैं, इनको ले जा, इनको भेज दे। बोले ठीक है, आप इनको ही भेज देना। गुरुजी ने अगले दिन दोनों शिष्यों को भेज दिया भोजन करने के लिए। भोजन हुआ बढ़िया, सेठ जी ने बढ़िया भोजन कराया दोनों ब्राह्मणों को, और चलते समय क्या दिया, दक्षिणा। और दक्षिणा में क्या दिया, हे भगवान अगर आज के समय में दी होती तो लेने वाला वापिस ही कर देता, बोले तुम ही रखो। दोनों को क्या दिए, दोनों को 5-5 रुपए दिए महाराज। लो भाई, अभी पुराने जमाने की बात है, 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। चलो तो दोनों को दक्षिणा क्या मिली, 5-5 रुपए मिले। अब दोनों पंडित जी जो भोजन करने गए थे वो लौट करके आश्रम पर आ गए। अब एक पंडित जी तो लड़का जो है बड़ा प्रसन्न है, और एक पंडित जी बड़े ही उदास है। अब व्यक्ति पहले किससे पूछेगा जो उदास है। गुरु जी ने कहा, बेटा इधर आओ, क्या बात है, उदास क्यों हो, वो तो बड़ा खुश लग रहा है। बोले नहीं नहीं गुरु जी, बस छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं। बोले बताओ ना क्या बात है। समझ गया, उसको भोजन अच्छा मिला, तुम्हें खराब मिला। बोले नहीं नहीं गुरु जी, भोजन ऐसा मिला। समझ गया, उसको ऊपर बिठा दिया, तुमको नीचे बिठा दिया होगा। नहीं नहीं गुरु जी, दोनों को ही एक साथ बिठाया। अरे बोले अब तो मेरी समझ में पक्का आ गया कि उसको दक्षिणा ज्यादा मिली है और तुमको कम मिली है। बोले नहीं गुरुजी, दक्षिणा दोनों को एक सी मिली है। तो गुरुजी ने कहा, जब भोजन एक सा मिला है, दक्षिणा एक सी मिली है, सम्मान एक सा मिला है, तो फिर वो प्रसन्न है, तू दुखी क्यों है। उसने कहा, गुरुजी इसलिए दुखी हूं कि जब मैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आ गई कि इतने बड़े सेठ जी के यहाँ जा रहा हूं तो कम से कम 21 रुपए तो दक्षिणा देंगे ही देंगे। बोले गुरुजी मैं तो 21 रुपए सोच के गया था और मिले कितने, 5 रुपए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने दूसरे पंडित जी को बुलाया। जब दूसरे पंडित जी को बुलाया और कहा कि तुम इतने खुश क्यों हो। बोले गुरुजी मैं तो इसलिए प्रसन्न हूं। क्यों। बोले जब मैं सेठ जी के भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आई। बोले इतने बड़े सेठ जी के यहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन बहुत कंजूस है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। बोले गुरुजी मैं तो 2 रुपए सोच के गया था, मिले कितने। अब इस कथा से आपने क्या समझा कि दोनों की परिस्थिति तो एक सी है लेकिन मन की स्थिति दोनों की अलग अलग है कि नहीं है। एक 21 रुपए सोच करके गया, एक 2 रुपए सोच करके गया। तो परिस्थिति दोनों की एक सी है लेकिन मन की स्थिति अलग अलग है, और यही मन की स्थिति सुख और दुख का कारण बन जाती है। देखो घटनाएं तो सबके संग घटती हैं। देखो भाई हमारे आपके जीवन में कोई ना कोई कांड होता ही रहता है भाई। बोलो बोलो, कभी कोई कांड तो कभी कोई कांड। वैसे तो हमारे आपके जीवन में कांड होते ही रहते हैं, लेकिन अगर मन की स्थिति को मजबूत कर ले तो जीवन के जितने भी कांड हैं सब सुंदर कांड ही हो जाएंगे महाराज। अगर मन मजबूत हो तो जीवन के सारे कांड सुंदर कांड हो जाएगा महाराज। इसलिए मन की स्थिति अलग अलग है। अच्छा हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलिए। बोले चलेंगे सही। लक्ष्मण जी ने कहा, वहां जाएंगे कैसे पहाड़ी पर। बोले हमारे कहने हेलीकॉप्टर है, चलो ऊपर चलो। बोले हेलीकॉप्टर,
लकटे मंदी से गोली। राम जी ने कहा हेलीकॉप्टर कहाँ है, दिख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु आपके सामने ही तो खड़ा है। बोले क्या मतलब? बोले प्रभु मैं पवन पुत्र हूं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं अभी उड़ान भरता हूं, आपको एक सेकंड में ले जाऊंगा घर। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने, ये तुम्हारी फ्लाइट का क्या भरोसा है कि जैसी टेक ऑफ करेगी पता चले तुम तो आगे निकल गए हम पीछे ही रह गए, हम नहीं जाएंगे इस। और फिर दिक्कत है, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे कंधे पे बैठ कैसे ले जाओगे। देखो हनुमान जी ने राम जी से पूछा, बोले प्रभु आप क्या कहते हो? बोले हनुमान वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन सही बात तो यह है कि डर तो हमें भी लग रहा है कि तुम ये कंधे पे बिठा करके ले कैसे जाओगे। अच्छा, बोले प्रभु एक बात बताओ, अगर कोई किसी को अपने कंधे पर बिठाता है और बैठने वाले को डर लगता है तो बैठने वाला क्या करता है? बोलिए ना, उसका सिर पकड़ लेता है, सिर क्या उसके बाल पकड़ लेता है, कसके मारे उसके सिर को पकड़ लेता है मारे। देखो ध्यान देकर के सुनना, अगर किसी को डर लगता है बैठने वाले को तो वो उसके ही महाराज सिर को पकड़ लेता है। बोले अब तो तुम्हारे सिर पड़े, अब तो तुम्हारे सिर पड़े, अब चाहे गिरा दो चाहे ले जाओ, उसके सिर पड़ जाता है महाराज। बोले प्रभु आप एक काम करो, आप हमारे कंधे पर बैठो और अपने दोनों हाथ हमारे सिर पे रख दो, पकड़ लो। हनुमान जी ने राम जी को बिठा लिया, राम जी ने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पे रख दिए और थोड़ी देर रखे रहे। बाद में हनुमान जी ने कहा प्रभु अब भले ही हटा लो, अब नहीं गिरेंगे। तो इतने में लक्ष्मण जी बोले अभी तो फ्लाइट खड़ी है, पहले उड़ेंगे तब ना गिरेंगे, अभी तो उड़े ही नहीं है, अभी से तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं गिरेंगे। और यही बात हनुमान जी ने कही, यही बात राम जी ने हनुमान जी से कही कि तुम हनुमान कैसे कह सकते हो कि अब नहीं गिरेंगे। बोले प्रभु मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिसके सिर पर आपका हाथ हो अगर प्रभु वो भी गिर जाएगा तो फिर संभलेगा कौन? जिसके सिर पर आपका हाथ है अगर वो भी गिरेगा तो फिर कौन संभलेगा? वो गिर नहीं सकता जिसके सिर पर आपका हाथ है। इसलिए हे नाथ यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दोजन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर कंधे पर बिठाया और हनुमान जी महाराज लेकर के चले हैं। और पावक साखी देई कर जोरी प्रीत थिड़ाए, अग्नि को साक्षी मान करके महाराज, अग्नि को साक्षी मान करके श्री राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता करा दी। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अगर आप बीच में ना पड़ते तो मित्रता कभी नहीं होती। हनुमान जी ने कहा देखना बीच में कौन है, मैं हूं कि अग्नि है? बोले अग्नि है। और बोले अग्नि को ही मत देखो, बोले पावक है और इस पावक के बीच में कौन है उसको देखो। और पावक के बीच में कौन बैठी है? सीता जी बैठी है ना। तुम पावक मह करो निवासा, इस पावक के बीच में भी सीता जी बैठी है, तो मित्रता कराने वाली तो कौन है? सीता जी है। और सीता जी कौन है? भक्ति महारानी। बोले सुग्रीव है जीव, राम जी है परमात्मा, और जीव और परमात्मा का संबंध कराने वाली तो भक्ति महारानी ही है महाराज। भक्ति के माध्यम से ही जीव और परमात्मा का संबंध होता है, इसलिए भगवान ने मित्रता कर ली सुग्रीव से। कथा तो बड़ी रसीली है महाराज, अब क्या करें महाराज, क्या सुना दें और क्या छोड़ दें। हम तो ये सोच रहे हैं आज, तुम ये सोच रहे हैं कि क्या सुनाएं और क्या क्या छोड़ें आपको। देखो भाई अब मित्रता हो गई तो सुग्रीव राम जी से कहता है, बोले प्रभु आप चिंता ना करो, मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी, मिल जाएंगी। गगन पंथ में देखी जाता
मंत्रन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहत में करूं विचारा। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, मैंने जाते हुए देखा था गगन पंथ में देख ही जाता। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा इनसे ये पूछो कि जब इन्होंने जाते हुए देखा था तो इन्होंने किया क्या? किया कुछ नहीं। बोले हमें ही देख दीने हूं पट डारी। बोले हमें देख करके उन सीता जी ने एक कपड़े की पोटली नीचे फेंक दी। मारा भगवान को जैसे ही वो पोटली दिखाई तो उसमें कुछ और नहीं, उसमें सीता जी के आभूषण थे। तो सीता जी ने आभूषण उतार करके फेंके थे मारा। तो सीता जी ने आभूषण उतार करके कपड़े की पोटली में बांध करके नीचे फेंक दिए मारा। वही सुग्रीव को मिल गए। सुग्रीव ने राम जी को जब वो दिखाए, नारायण जब वो दिखाया ना राम जी को, तो राम जी रोने लगे महाराज। लक्ष्मण से पूछने, लक्ष्मण देखो ये सीता जी के कुंडल, ये देखो सीता की मांग का टीका, ये देखो सीता के कान के कुंडल, ये देखो नासिका नथ। लेकिन लक्ष्मण जी कहते प्रभु मैं इन चीजों को नहीं पहचानता क्योंकि मेरी निगाह तो हमेशा अपनी माता जी के चरणों में रहती थी। हाँ ये पग के जो नूपुर है ये मेरी माता जी। नाहम जानामि केयूरे, नाहम जानामि कुंडले, नूपुरे तुम जानामि। ये नूपुर भले ही जानता हूं लेकिन ये कुंडल कंकन में पहचानता नहीं है क्योंकि मैंने कभी सीता जी को आंख उठा करके देखा भी नहीं है। इतनी श्रद्धा रखते, इतनी श्रद्धा है महाराज लक्ष्मण जी की सीता जी के प्रति कि कभी उनको निगाह उठा करके देखा नहीं महाराज कभी। हमेशा निगाह कहां रखी? हमेशा निगाह चरणों में रखी है महाराज। भगवान ने पूछा सुग्रीव तुम जंगल में क्यों रहते हो, ये पर्वत में क्यों रहते हो? बोले एक राक्षस के चक्कर में बाली पड़ गया और राक्षस उसको भगाता भगाता एक गुफा में ले गया, मैं भी पीछे पीछे गया और मुझसे बाली ने जाते जाते कह दिया कि मुझे 15 दिन देखना, अगर मैं लौट करके ना आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। बोले प्रभु 12 दिन के बाद ही एक रक्त की धार उसमें से निकली तो मुझे लगा कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया, तो मैं गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर और लगा करके आ गया। बोले गुफा के दरवाजे पर पत्थर लगा करके आ गया क्यों? बोले अब राक्षस बाहर आएगा तो मुझे मारेगा, इसलिए मैंने पहले ही पत्थर लगा दिया। और किष्किंधा में आकर के मैंने ये खबर कर दी, किष्किंधा में आकर के मैंने ये खबर कर दी कि बाली तो मारा गया। तो मंत्रीपुर देखा बिन साई, दीने हूं राज मोहि बरियाई। मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया महाराज, मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। मैं बैठने का इच्छुक नहीं था, मैं बिल्कुल भी बैठने का इच्छुक नहीं था लेकिन मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया गया तो बैठना पड़ा। लेकिन थोड़े दिन बाद ही बाली लौट करके आ गया और मुझे देख करके उसने अपने हृदय में भेद डाल लिया महाराज। अब भाई भाई में फूट पड़ गई महाराज कि तू मुझे मरा हुआ समझ करके गुफा के दरवाजे पर पत्थर लगा करके आ गया कि जिंदा हूं तब भी मैं वापस ना आऊं। अब महाराज सुग्रीव को मार करके भगाया, उसके खुद के भाई ने मारा। बोले प्रभु मैं तो बस अपने प्राण बचा करके यहां रहता हूं क्योंकि यहां श्राप बस आवत नहीं। महाराज देखो आज राम जी ने जब अपने मित्र के दुख को सुना, बाबा जी क्या लिखते हैं रामायण में, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, सुनी सेवक I'm
और क्या कहने लगे, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बार। लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रभु से एक बात कही, बोले प्रभु हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी आपकी। तो भी जज भी निर्णय कब सुनाता है, तो अभी कोई जजमेंट आएगा, कोई फाइनल डिसीजन जब आता है तो कब आता है, जब दोनों पक्षों की बातें, जब दोनों साइड की बातें सुन ली जाएंगी, तब जो निर्णय आएगा वो मानना पड़ेगा। बोले प्रभु आपने जजमेंट तो दे दिया कि मैं बाली को मारूंगा, लेकिन कम से कम आपको बाली की बात सुननी जरूर चाहिए। ये आप पक्षपात कर, आप वन साइडेड हो रहे हो महाराज। क्या हो रहे हो? वन साइडेड हो रहे हो आप, एक तरफ हो रहे हो महाराज। लेकिन जानते हो राम जी ने क्या कहा? बोले हाँ लक्ष्मण, हो रहा हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, अगर मैं अपने भक्त के साइड लूंगा तो किसकी साइड लूंगा? बोलो। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगा, आज भी हम लोग संसार में अपने दोस्त बनाते हैं, मित्रता करते हैं, और एक मित्रता जो है एक बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। एक व्यक्ति जो बातें अपने माँ बाप से नहीं कह सकता, किसी और को नहीं बता सकता, वो किसको बता देता है? एक मित्र ही ऐसा होता है जो दूसरे मित्र की महाराज हर बात को जानता है, और मित्र उससे शेयर भी करता है। तो मित्रता का रिश्ता बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पावन है। लेकिन उस मित्रता में क्या गुण होने चाहिए, सुन लीजिए महाराज। आज राम जी मित्राष्टक बता रहे हैं कि मित्र के अंदर क्या गुण होने चाहिए। बोले जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते। अगर आपका मित्र, आपका फ्रेंड अगर दुखी है और उसके दुख को देख करके आप दुखी नहीं हुए, तो आपका दर्शन करके भी लोगों को पाप लगेगा महाराज। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी। और मित्र में क्या लक्षण होते हैं, सुन लीजिए, मित्र के लक्षण क्या है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र वो है जो हमें गलत रास्ते से हटा करके और सही रास्ते पर लगाए। गुण प्रगटई और हमारे गुणों को दुनिया को बता दे, और हमारे अंदर कोई कमी है, अगर हमारा कोई अवगुण है तो उसको छिपा ले और अलग से समझा दे कि मित्र तुम्हारे अंदर ये अच्छी बात नहीं है, तुम इसके अंदर अपना सुधार करो, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं कि उसके गुणों को तो छिपा दे और उसके अवगुणों को दुनिया को बता दे, वो मित्र नहीं है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करही, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। क्या मतलब है इसका? बोले अपना दुख भले ही पहाड़ के जैसा हो, निज दुख गिरी सम, अपना दुख भले ही पहाड़ जैसा हो, लेकिन उसे कैसा समझे? उसे धूल समझे। और मित्र का दुख भले ही धूल बराबर हो, तो उसे पर्वत के समान समझे। यह है मित्र का लक्षण। और देत लेत मन शंक न धरही, तो किसी वस्तु के लेने देने में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए महाराज। अरे ठीक है ना, अब महाराज आजकल तो मित्र लोग एक दूसरे कपड़े भी पहन लेते हैं महाराज, और अपने वस्तुओं को भी आदान प्रदान कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो मित्रता में सब जायज है, प्रेम में सब जायज है। तब ये मित्र के लक्षण है। और एक बात कहूं, यहां पर राम जी ने कुमित्र के लक्षण भी बताए हैं। कुमित्र, अगर मित्र के लक्षण बताए हैं तो कुमित्र के भी। कुमित्र कौन? अब सुन लो भाई, कुमित्र के लक्षण क्या है। आगे कह मृदु बचन बनाई,
मृदु माने मीठे। बोले आगे तो कैसा बोलता है, बड़ो मीठो बोले महाराज, इतो या चीनी घोल के बोले महाराज, या तो बोले ही घोलू। बोले आगे तो बड़ी मीठी मीठी बात करे, आगे कहे मृदु बचन बनाई और पाछे अनहित मन कुटलाई। और पीछे से बुरा सोचता है, कुटिलता करता है। और एक बात तो बड़ी प्यारी कही राम जी ने, बोले जाकर चित अहि गति सम भाई। तो भाई अहि माने सांप सर्प, और सर्प कभी सीधा चलता है ना, बोलो भाई जब भी चलेगा तो टेढ़ा ही चलेगा, महाराज लहरा लहरा करके ही चलेगा। बोले जाकर जिसका चित्त सर्प की गति के समान है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही कल्याण है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही कल्याण है। आज देखो राम जी ने सुग्रीव से क्या कहा, मित्र। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं महाराज, बोलो। देखो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, देखो सुनना समझना मेरी बात को, आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके मित्र ने आपसे सिर्फ इतना ही कह दिया कि बोले भैया तुम चिंता मत करना हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो इतना कहने में कितना बल मिल जाता है, बोलो भाई, बोलो मिलता है कि नहीं भाई। कोई इतना ही कह दे, खाली अप्रूवल दे दे, कितना अप्रूव कर दे, हाँ हाँ बहुत अच्छा काम है हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बताना, बोलो इतना कहना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आज के समय में प्रेजेंट का जो टाइम है महाराज, अगर कोई इतना भी कह दे ना भैया हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो बताना, तो ये कहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन राम जी ने सुग्रीव से क्या कहा, सुग्रीव हे मित्र तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा। बोलो राम जी कह रहे मित्र तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा। अच्छा बोलो सही सही बताओ, क्या सुग्रीव राम जी के बल पर निश्चिंत हुआ? तो हुआ। बोले प्रभु बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करें हमें थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा कोई आपसे ये कहे कि भैया हम पीछे हैं तुम्हारे साथ हैं, और आप उससे ये कह दो हमें तुम पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बोलो आज के समय का व्यक्ति क्या कहेगा, बोलो भरोसा नहीं है तो बोले तुम अपने रास्ते जाओ भैया, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। सुग्रीव ने कहा प्रभु मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, अगर आज का व्यक्ति होता तो क्या कहता, चलो जी अपनी राम राम चलो जाओ तुम यहां से, कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम जी क्या बोले, देखो ये है राम का चरित्र महाराज। राम जी क्या बोले, राम जी ने कहा मित्र अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें भरोसा हो जाए, बोलो मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें विश्वास हो जाए। सुग्रीव ने कहा प्रभु मुझे विश्वास तब होगा, देखो भगवान क्या कह रहे थे, सखा सोच त्यागहु बल। अच्छा बल में कितने अक्षर हैं, बल में कितने अक्षर हैं, दो। बोले प्रभु आप चर्चा कर रहे हो बल की और बाली महाबल अति रण धीरा, आप चर्चा कर रहे हो बल की और बाली कैसा है, महाबल कितने हो गए, चार। बोले प्रभु आपसे डबल तो हमको वही दिख रहा है अभी महाराज, आपसे डबल दिख रहा है हमको, आप चर्चा कर रहे हो बल की और बाली महाबल। अच्छा तो मित्र मैं ऐसा क्या करूं तुम्हें विश्वास हो जाए, बोले हाँ एक काम करो दुदुम्भी अस्थि ताल दिखाए और बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। एक दुदुम्भी राक्षस की अस्थियों से ताल के वृक्ष खड़े हुए थे और भगवान ने एक ही बाण से सबको गिरा दिया, आहा विश्वास हो गया। देख अमित बल प्रीति बाड़ी, अब कितने अक्षर हो गए, अमित बल कितने हुए, पांच। तो अभी चर्चा किसकी चल रही थी, महाबल। बोलो बाली से एक ज्यादा हो गया नहीं हो गया भाई, बोलिए ना, एक बाली से एक पॉइंट ज्यादा हो गया। अब महाराज सुग्रीव जी शुरू हो गयो महाराज, बोले अब तो मारो काम बन जाऊला, अब तो कोई दिक्कत को नहीं आवे, अब तो देखो अब सुग्रीव जो है भगवान से चतुराई करने लगा महाराज।
कि कई बार दो मित्र भी आपस में ना महाराज, कोई दो मित्र में से एक जो है अपने को ज्यादा होशियार समझता है महाराज। अभी सुग्रीव अपने को ज्यादा होशियार समझ रहा है। सुग्रीव के मन में क्या बात आई? सुग्रीव के मन में ये आया कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है, इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है, ये तो बाली को मारेंगे ही, तो मैं इनसे क्यों कहूं मारने के लिए, मैं अपने भाई का बुरा क्यों बनूं, मैं समाज का बुरा क्यों बनूं। तो लोग बाद में क्या कहेंगे कि राम जी से मिलकर के भाई ने भाई को मरवा दिया। बोले मैं क्यों कहूं, ये तो अपने आप ही मारेंगे, इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है। देखो भगवान से चतुराई करने लगा, लेकिन भगवान ने भी अपने मन में सोच लिया कि सुग्रीव जब तक तुम्हारे मुंह से नहीं कहलवा दूंगा तब तक मैं बाली को मारूंगा भी नहीं, तुम्हारे मुंह से कहलवाऊंगा तब मारूंगा, ये तुम्हारी चतुराई हमारे आगे नहीं चलेगी। और सुग्रीव तो भगवान से क्या कहता है, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, क्या कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन। सब तजी माने सब कुछ छोड़ करके प्रभु आपका भजन करूं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु सुग्रीव कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं, लेकिन इनसे जरा ये पूछो कि इनके पास सब कुछ है क्या। सब कुछ तो पहले ही छूटा हुआ है, मकान है नहीं, घर है नहीं, व्यापार है नहीं, बच्चे है नहीं, बीवी है नहीं, और क्या चाहिए, सब कुछ तो पहले ही छूटा हुआ है। तो इनको भजन करने को मना कौन कर रहा है, करें भजन। लेकिन सुग्रीव बड़ा चालाक है हमारा, भगवान से चतुराई कर रहा है। उसका संकेत ये है कि प्रभु ये सब चीजें पहले दिला दो तब छोड़ेंगे बाद में आराम से, पहले दिलाओ तो सही। अब महाराज राम जी ने पूछा, सुग्रीव सही सही बताओ, ये बाली तुम्हारा भाई है कि शत्रु है, बोलो भाई, हमें तो इतनी बात बताओ बस। बोले महाराज क्या बताऊं, बाली तो मेरा परम हितैषी है, परम हितैषी है। अगर वो मुझे मार करके नहीं भगाता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो कितना बढ़िया प्रवचन हो रहा है, सुन लो। बोले प्रभु ये प्रवचन तो आप ही सुनो, इनका प्रवचन हमारी समझ में कम आता था। ये कह रहे हैं कि प्रभु बाली परम हित जासु प्रसादा और मिले हु राम तुम समन विषादा। देखो राम जी ने कहा, देखो सुग्रीव अब भले ही बाली तुम्हारा परम हितैषी है, भाई है, बड़ा भाई है, लेकिन मैंने तो मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, मैं तो मारूंगा। तो एक काम करो, तुम उनसे लड़ने के लिए जाओ, उन्हें पुकारो, जाओ जाकर के उन्हें पुकारो। तब महाराज तो कथा से आप लोग परिचित हैं महाराज, अब कथा तो बहुत बाकी है, तुम थोड़ा और आगे चलते हैं। नारायण सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा, हे निकल बाहर, कहां छिप करके बैठा है। बाली ने सोचा कि जो खुद छिप करके भागता है आज वो हमें छिपा छिपा कह रहा है, घूम रहा है, कहां से हुआ क्या अचानक। तो बाली की पत्नी जो है जिसका नाम है तारा,
वो समझाने लगी कि नाथ मत जाओ, मैंने सुना है सुन सुग्रीव जिनको मिला है ना, तेई दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सकहीं संग्रामा। इसलिए वहां जाने में सार नहीं है, मानो तारा ने क्या कहा बाली से, हे नाथ अगर चले जाओगे, क्या कहा, अगर चले जाओगे तो फिर चले ही जाओगे, फिर लौट के आना मुश्किल है, अगर चले जाओगे तो फिर चले ही जाओगे। इसलिए तेई दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकही संग्राम। लेकिन बाली नहीं माना, बाली गया और सुग्रीव को तिनके के समान समझा, तिनके के समान। बाली ने सुग्रीव को तिनका समझा, लेकिन बाली ये नहीं जानता कि परमात्मा वो है जो तिनके को वज्र कर दे और वज्र को तिनका कर दे, परमात्मा वो शक्ति है। बोलो भाई, बड़े बड़े पैसे वाले अपने पैसे पे अभिमान करते हैं, लेकिन अगर परमात्मा चाहे तो सबका पैसा धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता। बोलो, कर पैसा काम आता है क्या? नहीं आता। परमात्मा चाहे तो बड़े बड़ों का धन यही रखा रह जाता है महाराज, उसको कोई खाने वाला नहीं है ना, कोई उपभोग करने वाला नहीं। तो परमात्मा चाहे तो तिनके को वज्र कर दे और वज्र को तिनका कर दे। लेकिन बाली ने इस बात को नहीं समझा, बाली ने सुग्रीव को तिनके के समान समझा और जाकर के युद्ध करने के लिए गया। अच्छा, बाली ने ये सोचा जब सुग्रीव को सामने देखा, बोले जरा चेक तो करें, ये पुराना वाला सुग्रीव है कि थोड़ा अपडेट होके आया है, वो है, ये कौन सा वर्जन है, ये इसका जो सॉफ्टवेयर पहले वाला है कि थोड़ा अपडेट हो गया, कौन सा नया वाला आया है, इसको चेक तो करना पड़ेगा हमारे, कि वो नया वर्जन है कि वो पुराना वाला है। चलो चेक करते। तो चेक कैसे किया जाएगा? बाली ने चेक करने के लिए कि वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट है कि पुराना है, महाराज एक मुक्के का प्रहार किया, और एक मुक्के में तो सुग्रीव ऐसे भागा, सिर पे पांव रख के भागा महाराज, तुरंत भाग गया। एक मुष्टिका का प्रहार किया और भागा। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सुग्रीव किसी भी काम में एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है, तुरंत भाग जाता है। भाग गया, इतनी जोर से मुक्का लगा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा। कैसे लगा? वज्र के समान मुष्टिका का प्रहार लगा, बाली का मुक्का मारा, कहां सुग्रीव सहन कर पाए, भागा। और भागते भागते कहां आया? राम जी के पास। बोले, हमें तो पहले ही पता था कि आपसे कुछ नहीं होगा, हमने बेकार आप पे भरोसा कर लिया। बोले, प्रभु ये तो अच्छा है कि हम भागने में एक्सपर्ट है, तो भाग करके आ गए, तो आपने तो मरवा ही दिया। अच्छा, अभी भी सुग्रीव को अपनी कला दिखाई दे रही है, भगवान की कृपा दिखाई नहीं दे रही है महाराज, सबसे बड़ी विडंबना है। कई बार हम लोगों को अपनी कला दिखाई देती है, लेकिन भैया उस कला के पीछे क्या है? उस कला के पीछे परमात्मा की कृपा है। तो सुग्रीव को अपनी कला दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान की कृपा दिखाई नहीं दे रही। अब देखो, राम जी खड़े हैं यहां और सुग्रीव पड़ा है वहां। तो राम जी ने कहा, अच्छा मेरे पास चल करके आओ। बोले, चाली जय गोनी। बोले, क्या भाई, पटो तू भाज के आ गया, अब थारे से चाली जय गोनी। बोले, प्रभु वहां तो प्राण बचाने थे इसलिए भागे, अब तो यहां आ गए, अब हमसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। लेकिन प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, धोखा दे दिया हमको, आपने बाण चलाया क्यों नहीं पीछे से? अरे राम जी बोले, मैं बाण चलाने ही वाला था, लेकिन मुझे भ्रम हो गया। भ्रम? क्या भ्रम हो गया? बोले, एक रूप तुम भ्राता दो, के भाई तो दो हो लेकिन दोनों का रूप
अच्छा आप विचार करो, बंदर सब दिखने में एक से ही होते हैं, हमारे बोलो कोई पहचान है बंदर की? कई बार तो लोग क्या होता है, हमने वृंदावन में देखा हमारा कि चश्मा कोई सा बंदर ले गया, फ्रूटी किसी को मिल गई, कि बंदर सब दिखने में एक से हमारा, उनको लगा कि यही ले गया है तो उसकी तो वैसी मौज बन जाती है, जो लेके गया उसको तो मिली नहीं, बंदर सब दिखने में सब एक से। तो राम जी ने कहा मित्र तुम दोनों भाई दिखने में एक से हो, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु भला आपको भी भ्रम हो सकता है? बोले क्यों? बोले जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता? जब तुम जैसे लोग ज्ञानियों जैसी बातें कर सकते हो तो हमें भ्रम तो हो, इतना तो हमारा भी राइट है भाई। तब अच्छा एक काम करो, सुनो घबराओ नहीं, सुनो मेरे पास आओ। सुग्रीव जैसे जैसे महाराज राम जी के पास आया और भगवान ने अपना हाथ जो है क्या किया, उसके पूरे शरीर पर ऐसे ऐसे, और बड़ी सिद्ध चौपाई है मानस की, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, 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 तन भाव पुलिस गई सब पीरा, तन भाव पुलिस गई सब पीरा, तन भाव पुलिस गई सब पीरा, तन भाव पुलिस गई सब पीरा। भगवान ने सारी पीड़ा दूर कर दी, बोले अब दोबारा लड़ने के लिए जाओ, और गले में क्या पहना दी, तो भाई क्या पहनाई गले में, क्या पहनाई जानते हो? सुग्रीव ने क्या कहा, बोले प्रभु युद्ध में चाहिए भाला और आप पहना रहे हो, कोई भाला वाला दो, कुछ अस्त्र शस्त्र दो, भाला क्या है, इस माला का हम क्या करेंगे? राम जी ने कहा ये माला नहीं है, ये मेरा बल है। क्या है? मेरा बल है मेली सुमन कंठ के माला, और पठवा पुनी बल दे ही विशाला। पुलिस से पहचान बनी रहेगी कि तुम सुग्रीव हो और वो बल, तो मुझे मारने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये माला पहन, और देखो ये माला नहीं है, ये मेरा बल है। नारायण आज एक बात नोटिस कर लेना, बिल्कुल महाराज जीवन में बड़ी काम आएगी। आज भगवान ने सुग्रीव को अपना बल देकर के भेजा, क्या भेजा? अपना बल देकर के भेजा, लेकिन सुग्रीव ने भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया, अपने छल का बल का प्रयोग करने लगा महाराज। और ध्यान दे के सुनना, जो छल के बल का प्रयोग करता है वहां फिर राम जी का बल काम नहीं करता, राम जी का बल काम नहीं करेगा। राम जी ने अपने बल से कहा कि भैया अब थे पाछे आ जाओ, तारो काम को नहीं बटे आ जाओ। अब सुग्रीव दोबारा लड़ने के लिए गया माला पहन करके। बाली ने सोचा कि ये हर बार भाग जाता है, इस बार भागने नहीं देंगे इसको, आज इसको अच्छे से मजा चखाएंगे, हर बार भाग जाता है, एक आध मुक्के में ही भाग जाता है। अब इस बार बाली ने क्या किया, सुग्रीव से युद्ध करने लगा, उसको महाराज नीचे गिरा लिया, नीचे गिराया और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया। अब देखो मेरी तरफ देख रहा, ध्यान से हुआ क्या, वो क्या सीन बना होगा महाराज, हमको ऐसा लगता है ऐसा सीन बना होगा कि सुग्रीव नीचे लेटा है, बाली उसकी छाती पर बैठा है और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और एक हाथ में गदा है। अब सुग्रीव ने सोच लिया कि अब ये गदा नीचे आएगी और हम ऊपर चले जाएंगे, अब तो इतना ही रह गया बस, क्योंकि अब तुम भाग ही नहीं सकते, ये छाती पे चढ़ के बैठा है, अब ये गदा नीचे आएगी और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाली मारने लगा तो
प्रभु ने तान करके बाण मारा और बाली दूर जाकर के गिरा। भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान से शिकायत करने लगा, मारे हूं मोही व्याध की नाही, मारे हूं मोही व्याध की नाही, मैं बेरी सुधीव प्यारा, मैं बेरी सुधीव प्यारा, मैं बेरी सुधीव प्यारा, बधू भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समे इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप ना होई। देखो भाई, अपनी बहन छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू भगनी सुत नारी, अपनी कन्या छोटे भाई की पत्नी पुत्र की वधू अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुनसठ कन्या समे इनको कन्या की दृष्टि से ही बेटी की दृष्टि से ही देखना चाहिए और इन्हें को जो बुरी निगाह से देखता है उसको मारने में कोई पाप, पहली बात। और दूसरी बात, राम जी ने क्या कही कि तू बाली अच्छे से जानता था कि सुग्रीव मेरी शरण में है तब भी तूने उसको मारना चाहा, मम निज भुजबल आश्रित जानी और मारन चहस अधम अभिमानी, मूड तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर सना काना, इसलिए मैंने तुझे मारा है, तू बड़ा पापी है। अब जानते हो महाराज बाली ने मरते मरते क्या कहा, बोले प्रभु मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि मैं पापी हूं के पापी था, बस इतना बता दो बस। बोले क्या मतलब, बोले प्रभु अंत समय में आपका दर्शन हो रहा है और मैंने सुना है सन्मुख होए जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनाश है तब ही, क्या आपके दर्शन करने के बाद भी मैं पापी रह गया। बस इतनी सी बात पर राम जी इतना रीज गए, इतना रीज गए, न जाने परमात्मा को कौन सी बात अच्छी लग जाए। मैं यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी, बाली ने कहा प्रभु क्या आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं। अब प्रभु अगर अभी मैं पापी हूं तो ठीक है, कैसी आपकी इच्छा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत राजी हुए और बाली से क्या कहते हैं, अचल करूं तन राखे हूं प्राणा, और बाली कहा सुन कृपा निधाना। क्या कहा बाली ने, बड़ी प्यारी बात कही है महाराज, बाली कहता है प्रभु सारी जिंदगी भजन करते करते संतों को हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मरते समय राम नाम मुख पर आ ही जाए, जरूरी नहीं है। ओ जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कहिया
जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत। अब प्रभु आपके चरणों में एक ही विनती है मेरी, अब नाथ करी करुणा बिलोके हूं देहु जेवर मांगहू जेही जोनी जन्मु कर्म बस तहां राम पद अनुराग। बस यही बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया और जाते जाते अंगद का हाथ पकड़ के भगवान के चरणों में रख दिया। बोले प्रभु इस अंगद को अपना दास कर लीजिए महाराज, इसको अपना लीजिए। ठीक है, बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो उसकी पत्नी तारा रोती हुई आई, विलाप करने लगी तो भगवान ने समझाया, तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरलीनी माया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण जी को नगर में भेजा, बोले सुग्रीव को राजा बना दो और अंगद को युवराज बना दो। ये भगवान ने संकेत कर दिया। और भगवान ने जाते जाते सुग्रीव से क्या कहा, संतत हृदय धरेउ मम काजू, मेरे काम को ध्यान में रखना। ठीक है प्रभु, अब सब चीज मिल गई, राज्य मिल गया, बच्चे मिल गए, अपनी धर्मपत्नी वापस मिल गई, जीवन बड़ा सुख से बीतने लगा महाराज। और इधर से राम जी ऋषि मुनि पर्वत पर हैं और वर्षा ऋतु का वर्णन आया। अरे बड़ा गजब का है महाराज, हमारा तो इस पर बहुत बोलने का मन है, अगर इस पर ही बोलते रहेंगे तो महाराज तो सुंदरकांड में नहीं जा पाओगे, ध्यान रखना। बड़ा गजब का चरित्र है महाराज, बहुत पंडित जी एक एक चौपाई बड़ी मनन करने योग्य है, एक चौपाई तो सुनी लो महाराज है। तो भाई दामिनी दमक रहन गन माहे, फल के प्रीत था की प्रीत था फिर लाई दामी रहन घन माही खल के प्रीति जथा थिर। देखो आकाश में बिजली चमकती है, क्या चमकती रहती है, चमकी और गायब। बोले दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी ऐसा ही होता है, थोड़े दिन दिखता है बाद में जैसे बिजली गायब ऐसे वो भी गायब। दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा थिर, ऐसे एक नहीं ऐसी कई चौपाइयां हैं महाराज ये वर्षा ऋतु में। बूंद आघात सही गिर कैसे खल के वचन संत से, जैसे सिमट सिमट जल भरही तलावा जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, खोजत कतहु न मिली है धूरी करे क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। बहुत सारी एक से गजब की चौपाइयां महाराज। नारायण देखो वर्षा ऋतु निकल गई और आ गई शरद ऋतु, आ गई वर्षा विगत शरद ऋतु आई। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो चार महीने हो गए ये सुग्रीव हमारा दर्शन भी करने नहीं आया कि राम जी जिंदा है कि मर गए, कुछ खाने को है कि पीने को है कि नहीं है। क्यों भाई सुग्रीव ऐसा राजा बना कि राम जी को भूल ही गया, मर पूछने भी नहीं आया कि मर कुछ खाने पीने को है कि नहीं है, कुछ व्यवस्था है कि कुछ भिजवा दे क्या, कुछ नहीं पूछा। अच्छा एक बात आपसे कहूं, अच्छा लक्ष्मण जी को नहीं किंतु परंतु वाला काम बढ़िया नहीं लगता, लक्ष्मण जी का निर्णय क्या होता है? बोले प्रभु एक बात बताओ। अच्छा हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो।
देखो ध्यान दे के सुनना, राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो सुग्रीव दर्शन भी करने नहीं आया, इतने दिन हो गए। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण है कि नहीं है? बोले है तो सही। बोले फिर चलाते क्यों नहीं है? तो है तो चलाओ, उसको उसके भैया के पास भेजो। हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, मैं कल मारूंगा। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप क्यों नाटक करते हो, हमें सब पता है आप नहीं मारोगे। अच्छा गुस्सा आज आ रहा है, मारोगे कल? तो कल तक गुस्सा रहेगा? अच्छा कोई ये कभी आज तक किसी ने कहा? बोले हमें तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, कल आना, कल तुमको गालियां सुनाएंगे। अरे कल क्या, अभी सुनाओ ना, कल किसने देखी है? तो गुस्सा कल तक रहेगा? नहीं रहेगा ना। बोले प्रभु मुझे पता है आप नहीं मारोगे सुग्रीव को। तो राम जी ने कहा, जब पता है तो फिर मारने के लिए कह क्यों रहे हो? क्यों कह रहे हो? मैं उसको नहीं मार सकता, वो मेरा मित्र है। लेकिन लक्ष्मण तुम जाओ उसके नगर में, किष्किंधा जाओ, और ऐसा भय दिखाओ, ऐसा भय दिखाओ कि दौड़ करके मेरे पास, ऐसा मत डरा देना कि मुझसे दूर ही भाग जाए, ऐसा भय दिखाना कि मेरे पास आ जाए। अच्छा राम जी भी बड़े कौतुकी हैं, इधर से तो लक्ष्मण जी को भेजा और उधर से राम जी ने वायरलेस पर हनुमान जी से कॉन्टेक्ट कर लिया। हमारा ये घोटे वाले हनुमान जी से वायरलेस पर कॉन्टेक्ट चल रहा है हमारा। इधर से लक्ष्मण जी को भेजते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के भेजने से पहले किसको भेज दिया? ये घोटे वाले हनुमान जी को वायरलेस पे मैसेज आया, आप पहुंचो पहुंचो वहां पहुंचो पहुंचो, ऐसी बोलता ना वायरलेस में, तो पुलिस वाले रखते हैं जो हमारे। बोले वहां पहुंचो आप। बोले कहां पहुंचना है? बोले सुग्रीव के पास। और लक्ष्मण जी के पहुंचने से पहले ही कौन पहुंच गए? यहां पवन सुत हृदय बिचारा और राम काज सुग्रीव बिसारा। तो लक्ष्मण जी के पहुंचने से पहले ही राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया और हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव तो थर थर कांपने लगा। इतने में लक्ष्मण जी पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने कहा है सुग्रीव बाहर निकल, नहीं तो पूरे नगर में आग लगा दूंगा, आज कोई नहीं बचेगा। सुग्रीव तो भागता भागता कांपता कांपता आया। अरे अरे बोले सरकार, छोटे सरकार आपने क्यों कष्ट किया, हमें बुला लिया होता। हाँ बोले तुमको तो जैसे बुला लेते जैसे तुम चार महीने से रोज आ ही रहे हो हमारे पास, तुमको कैसे बुलाते बोलो। अच्छा चलो राम जी के पास, भगवान ने बुलाया है। हाँ हाँ मैं तो आ ही रहा। बोल वो तो माने ठाए तुम्हारे, चलो चलो। अरे सुग्रीव राम जी के पास आया और जाकर के क्या बोला? बोले प्रभु सब गलती आपकी है। ले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रभु सब गलती आपकी है। क्यों? बोले प्रभु मैं तो साधारण जीव हूं, अब आपने मुझे ये घर बार मकान व्यापार और ये सब कुछ दिया है तो मेरा तो इसमें फंस जाना स्वाभाविक है ना, क्योंकि फंसाने वाले भी आप हो और महाराज निकालने वाले भी आप। अब मैं आपका कार्य करूंगा। बंदरों को बुला लिया, बोले जाओ सब लोग, और एक महीने का टाइम दे दिया महाराज, एक महीने का समय दिया। और बोले एक महीने के भीतर जो सीता जी की खबर लेकर के नहीं आएगा तो उसे मैं खुद अपने हाथ से मारूंगा। अब सारे बंदर भालू राम जी के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। और सबसे पीछे कौन खड़े हैं? सबसे पीछे कौन खड़े हैं? राम जी खड़े हैं। राम जी के सबसे पीछे खड़े हैं हनुमान जी महाराज, एकदम पीछे दूर से दिख रहे हैं, हनुमान जी पास में नहीं है। अच्छा कोई कार्यक्रम चल रहा हो और कोई व्यक्ति आगे ना आए, जबकि मुख्य कार्यकर्ता है, आगे ना आए और पीछे पीछे रहे, तो लोग क्या कहेंगे? लगता है इसको काम करने में रुचि, इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसके पीछे पीछे ये लारे लारे सर के, ये आगे नहीं आता है। लेकिन किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, पीछे क्यों खड़े हो? तो हनुमान जी ने कहा देखो मैं हूं पवन
और पवन का तो पीछे रहना ही ठीक है। बोले कैसे? बोले कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा हो या रिक्शा चला रहा हो और हवा सामने की हो, बोलो मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि हवा को भी काट के चलना है महाराज। वो यही हवा पीछे से आ रही हो तो उसको बल मिल जाएगा महाराज। बस इसी तरह समझ लो महाराज, हनुमान जी ने कहा मैं हूं पवन, अरे पवन का तो पीछे रहना ही ठीक है। सबने राम जी के चरणों में प्रणाम कर लिया और सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया है, पाछे पवन तने सिर नावा, पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, हरसासीस सरोरुह पाले, हरसासीस सरोरुह पाले, कर मुद्रिका दिन जल जाने, कर मुद्रिका दिन जल जाने। सबसे पीछे हनुमान जी को बुलाया, मार पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। इतने सारे बंदरों में से हनुमान जी को ही बुलाया क्योंकि राम जी का काज तो यही करेंगे, राम जी का कार्य तो यही करेंगे। और करुणा निधान अपनी मुद्रिका उतार करके दी और क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझायो। देखो शब्दों पे ध्यान देना तब आनंद आएगा आपको महाराज। राम जी ने पहली बात क्या कही कि बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कि हे हनुमान सीता को बहुत प्रकार से समझाना पहला, और कही बल विरह बेग तुम आयो, बोले मेरा बल कहना मेरा विरह कहना और जल्दी लौट करके आ जाना। अच्छा राम जी क्या कह रहे हैं हनुमान जी से कि मेरा बल कहना, इतने में लक्ष्मण जी क्या बोले, बोले प्रभु इन्हें अपना तो याद रहता नहीं है, तुम्हारा क्या कहेंगे, अपना तो भूले बैठे हैं। बोले जब इन्हें अपना ही याद नहीं है तुम्हारा क्या कहेंगे। लेकिन राम जी ने इसको पॉजिटिव लिया, राम जी ने कहा लक्ष्मण सही बात तो यही है कि जिसके पास अपना कोई बल नहीं है वही तो मेरा बल कह सकता है महाराज, क्योंकि हारे का सहारा और बाबा श्याम किसके सहारे है भगवान। तो भाई आप एक विचार करना, अगर आपको अपने, अगर आपको अपने पैसे का बल है, अपने धन का बल है, अपनी विद्या का बल है, अपनी संपत्ति का बल है, बोलो भगवान का बल काम करेगा, बोलिए ना, कभी नहीं करेगा महाराज। जब आपके पास अपना कोई बल है नहीं है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे, अब तो सौंप दिया महाराज। देखो राम जी ने कहा जिसके पास अपना कोई बल नहीं है वही तो आपका बल, वही तो मेरा बल कह सकता है। अच्छा विरह, विरह विरह माने दुख। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपका विरह हनुमान जी कैसे कह सकते हैं, इनकी तो शादी हुई नहीं है तो इन्हें कैसे पता कि पत्नी खोने का विरह क्या होता है, बोलो बोलो अब इन्हें क्या पता विरह क्या, ये आपका विरह कैसे कह पाएंगे। और हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, बोले एक एक जोड़े की नई नई शादी हुई महाराज, हो भाई एक जोड़े की नई नई शादी हुई तो महाराज अब घूमने के लिए गए दो चार दिन बाद, तो गांव में ही एक मेला लगा हुआ था महाराज, तो कहां गए वो एग्जीबिशन लगी थी, मेला लगा था नुमाइश, सुबह घूमने गए, इतनी भीड़ महाराज मेले में कि दोनों बिछड़ गए। अब बेचारा पति अलग परेशान, पत्नी अलग परेशान, नई नई शादी वैसे हुई थी, बड़े परेशान दोनों, ये पति बड़ा परेशान था, करे तो करे क्या। तो एक पुजारी जी मिल गए, उसी मेले के अंदर एक राम जी का मंदिर था,
तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने क्या कहा, सुनो क्या कहा पुजारी जी ने, कहा कि देखो एक काम करो, एक किलो मिठाई लेकर के आओ मीठा, और उसके ऊपर सबसे बड़े वाला नोट रखो, गुलाबी नोट रखो। अब उससे बड़ा कोई है ही नहीं भाई, बोले सबसे बड़ा वाला नोट रखो और राम जी से प्रार्थना करो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अच्छा पुजारी जी सोच रहे थे, बोले मिले ना मिले हमको तो माल मिल ही जाएगा, इनको मिल जाएगा। अब पुजारी ये सोच के बैठे थे, लेकिन देखो राम जी के मंदिर के सामने ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। अब मरता क्या ना करता, वो बेचारा मिठाई लेने जा रहा था तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, बोले बेटा क्या बात हो गई, क्या बात है? बोले पत्नी खो गई है। अच्छा तो क्या कर रहे हो? बोले पत्नी खो गई है तो राम जी के पुजारी ने कहा है, राम जी के मंदिर के पुजारी ने, कि डिब्बा ले आओ मिठाई का, पैसा रखो, राम जी से प्रार्थना करो तो मिल जाएगी। तो जानते हो हनुमान जी के पुजारी ने क्या कहा? बोले एक बात बताओ, जब उनकी खुद की खो गई थी पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारी क्या पता लगाएंगे? तो उनकी खुद की खो गई थी जब पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारी कैसे पता लगाएंगे? बोले जब बताओ, जब उनकी खो गई थी तो पता किसने लगाया था? बाबा ने। बोले चलो हनुमान जी के मंदिर में बाबा से प्रार्थना करो, वही तुम्हारा बीड़ा पार लगाएंगे। तो नारायण देखो विरह तो वही कह सकता है जिसने वो विरह सहा हो, लेकिन राम जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम जी ने कहा मेरा दुख तो वही कहेगा जिसके पास अपना कोई दुख नहीं है महाराज। अब आज की वर्तमान में परिस्थिति क्या है, अगर आप किसी को अपना एक दुखड़ा सुनाओगे तो वो कितने सुनाएगा? तो चार सुनाएगा। अब तुम किसी से जाके कहो भाई आजकल तो बहुत मंदी चाल रही है भाई, अब किससे कह के देखो महाराज, इतना कहना ही मानो दुखती नस को पकड़ लेना है। बोलो भाई इतना कहना हुआ कि नहीं भाई, आजकल तो भाई देखो ये नोटबंदी हो गई है, जीएसटी लाग गया तो धंधो चौपट हो गया। बोले तू सही कह रहे हो, अब व्यापारियों से कह के देखो मर, उनको ऐसा लगता है उनकी नस पकड़ ली हो दुखती महाराज। तो नारायण सुनो, जिसके पास अपना दुख नहीं है वही तो दूसरे के दुख को दूर करेगा, और जिसके पास अपना दुख बधेरे हैं वो दूसरे के दुख क्या दूर करेगा भाई। इसलिए हनुमान जी जाओ, हनुमान जी चले और प्रभु ने क्या दी, मुद्रिका दी महाराज। हनुमान जी ने सोचा कि इस मुद्रिका को क्या करें, बोले हाथ में रख लेते हैं मुट्ठी में, लेकिन नहीं नहीं, बोले इस पे राम नाम लिखा है और मुझे कोई रास्ते में राक्षस मिलेगा तो मुझे मारना भी पड़ेगा, और राम नाम तो तारता है, राम नाम मारता, इसलिए हाथ में भी नहीं रख सकते। चलो एक काम करते हैं जनेऊ में बांध लेते हैं। बहुत से लोग अपनी चाबी कहाँ बांध लेते हैं, क्यों भाई जनेऊ बांध कर? अच्छा वो चाबी कहाँ की होती पता है ना आपको महाराज? हाँ वो चाबी महाराज बड़ी स्पेशल चाबी होती है महाराज, वो तो हमेशा इसलिए साथ में लगा के घूमते हैं उसको। तो अच्छा जनेऊ, अच्छा इस बात का क्या प्रमाण है कि हनुमान जी जनेऊ पहनते पहनते कांधे मुंह जनेऊ साजा चाहते तो जनेऊ में बांध लेते? बोले नहीं नहीं जनेऊ में बांधेंगे जनेऊ अपवित्र हो जाएगा। चलो तो क्या करें, हाथ में अंगूठी पहन लेते हैं? बोले नहीं नहीं, बोले स्वामी की अंगूठी सेवक को नहीं पहननी, नहीं पहननी चाहिए भाई। सेवक को अपने स्वामी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उनके बगल में नहीं बैठना चाहिए महाराज। मैं तो कई बार देखता हूं कई लोगों को इतने संस्कार भी नहीं है महाराज कि साधु संतों से मिले तो क्या करना चाहिए महाराज। हमने कई बार देखा है महाराज, जैसे संतों से मिलेंगे तो हाथ आगे ऐसे कर देते हैं महाराज, लो महाराज हमने देखा है महाराज। एक सज्जन हमको मिले ऐसे, जैसे मिले उन्होंने हाथ आगे ऐसे किया महाराज, हमारा मन तो किया कि एक इनके जो है लगाए कसके, कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि संतों से कैसे प्रणाम करना चाहिए, हाथ क्यों मिला रहे हो भाई उन्हें। अब कभी सत्संग किया हो, कभी संस्कार पड़े हो तो पता हो ना महाराज, संस्कार ऐसे है ही नहीं महाराज। संतों के बगल में नहीं बैठना चाहिए, कई लोग आकर के बगल में बैठ जाते हैं महाराज, जहां हम जहां कोई संत बैठे आकर के बगल में बैठ गए। इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि हमें उनके समकक्ष नहीं बैठना चाहिए महाराज, वो कितना भी कहे तब भी नहीं बैठना चाहिए महाराज।
ये मर्यादा है और क्या है। हनुमान जी कितनी बड़ी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, बोले स्वामी की अंगूठी सेवक को नहीं पहननी, मैं कैसे पहन सकता हूं इसको भाई। तब अंत में क्या निर्णय निकाला, क्योंकि क्या निर्णय निकाला आप सब लोग जानते हैं, उस मुद्रिका का क्या किया हनुमान जी ने, क्या किया, अरे प्रभु मुद्रिका मेली मुख अचरज। हमारे पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सबको आगे आगे बढ़ाओ, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग जमीन का दान करो भाई, थोड़ा थोड़ा भूमि का दान करो, थोड़ा थोड़ा सर को आगे आगे थोड़ा सा भैया, ये माताओं आप भी थोड़ा थोड़ा अगर संभव हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ। देखो कितनी बढ़िया बात है कि लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, नहीं सबको पीछे ही खींच रहे हैं सब लोग महाराज, आपको लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ो बढ़ो आगे महाराज आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा जमीन का भूमि का दान करो भाई। हो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, का मेले मुख माही जलधि लांग गए अचरज। अब श्री हनुमान जी महाराज यहां से आगे चले, कतौ होई निश्चरते भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। सीता जी को ढूंढ रहे, एक महीने का समय बीत गया, सीता जी नहीं मिली, खूब ढूंढते रहे। तब एक तपस्विनी ने बताया नेत्र बंद करो, स्वयं प्रभा मिली। जैसी बंदरों ने नेत्र बंद किए, तुरंत खोल लिए, तो थाड़े सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के किनारे आ गए। वहां पर संपाति मिला, संपाति ने कहा आज सबको खा जाऊंगा, आज श्रवण कर भक्षण करहूं, बहु दिन गए आहार बिनु मरहूं, कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा, आज सबको खा जाऊंगा। तब अंगद जी कहते हैं कि देखो एक ये गिद्धराज है जो हमें खाने के लिए मरे जा रहे हैं, और एक वो गिद्धराज थे जिन्होंने राम काज के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब इन बंदरों के मुंह से जटायु का नाम सुना तो संपाति कहता है डरो नहीं घबराओ नहीं, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई कि हम सीता जी की खोज कर रहे हैं, कोई राक्षस किशोरी जी को हरण करके ले गया है, और जटायु जी ने बचाना चाहा तो उस राक्षस ने जटायु जी के पंख काट दिए, और जटायु जी ने राम जी की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संपाति को बड़ा दुख हुआ भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के, वो कहता है मुझे समुद्र किनारे ले चलो, उसको समुद्र किनारे लेकर के गए। उसने अपने भाई को जलांजलि दी, तर्पण किया अपने भाई का अपने हाथों से, और उसके पंख दोबारा आ गए महाराज। संपाति के पंख जल गए थे क्योंकि जटायु ने और संपाति ने एक बार सूर्य तक जाने की दौड़ लगाई, तो जटायु के तो पंख जलने लगे, तो वो तो लौट करके आ गया, लेकिन संपाति अपने अभिमान के कारण आगे बढ़ता ही रहा और सूर्य के तेज से उसके पंख जल गए, वो यहां आकर के गिरा समुद्र के किनारे आकर के गिरा।
वो अपने प्राणों का त्याग करना चाहता था क्योंकि बिना पंख के पक्षी व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन एक चंद्रमा नाम के महात्मा ने क्या कहा कि जब बंदर भालू सीता जी की खोज करते हुए आएंगे और तुम उनकी सहायता कर दोगे तो तुम्हारे पंख दोबारा आ जाएंगे। तो आज संपाति क्या कहता है, मैं देखूं तुम नाही गीत ही दृष्टि अपार, मैं यहीं से बैठे बैठे सीता जी को देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते मैं देख सकता हूं। सीता जी कहां है, बोले जो 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस का समुद्र है, इसके पार जो लंका है उसी लंका में सीता जी विराजमान। अब जो इस 100 योजन के समुद्र को लांग जाएगा वही सीता जी की खबर ला सकता है। और कौन जाएगा, तो भाई कौन जाएगा, जो दुनिया का कार्य करे, जो दुनिया का कार्य करे उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान का भी कार्य करे उसे ही तो घोटे वाले हनुमान जी कहते हैं महाराज। जो दुनिया का काम करे उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान का काम करे उसे हनुमान कहते हैं, जो दुनिया का कार्य करे उसे उसे वीर कहते हैं, और जो रघुवीर का कार्य करे उसे ही तो महावीर है। देखो इसलिए मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी को लिखा है प्रभु, क्या लिखा है प्रभु, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, एक जगह नहीं कई जगह आया प्रभु। और राम जी को लिखा है वीर रघुवीर, राम जी को लिखते हैं वीर, लेकिन जब हनुमान जी के बारे में लिखने का नंबर आता है तो वीर नहीं, महावीर बिनबहु हनुमाना। राम जी के लिए लिखते हैं प्रभु, और हनुमान जी के लिए क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहां लिखा है, राम जी है प्रभु और हनुमान जी महाराज है महाप्रभु, कहां लिखा है, लिखा है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान देना महाराज। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाबली देख सवार, कौन सो संकट मोह करी तो तुम से नहीं जाते बेगी हरो, क्या लिखा है, बेगी हरो हनुमान। बोलो पहले कभी ध्यान दिया इस बात पे, पहले तो बस पढ़ते चले गए, पढ़ना है, पन्ने पलटने हैं, पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ। कई लोग तो महज हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हनुमान जी भी संकोच में पढ़ते होंगे तो इसने मेरी स्पीड भी फेल कर दी है, इतनी तेज पढ़ते हैं हनुमान जी की स्पीड फेल। लेकिन महाराज ध्यान दे के पढ़ेंगे तो लिखा है देगी हरो हनुमान महाप्रभु संकट हो, हनुमान जी है राम जी है प्रभु और हनुमान जी महाराज है महाप्रभु। हर मायने में राम जी से बड़े हैं हनुमान जी महाराज। कौन जाएगा, सबने अपने अपने बल का बखान कर लिया, बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई, उभे धरी महदीनी साथ प्रदक्षिण सबने अपने अपने बल का बखान कर लिया, अरे अंगद कहीं जाऊं मैं पारा ये सबसे कछु गिरती वाला, मैं जा तो सकता हूं लेकिन मेरा लौट करके आने में संशय है। जामवंत कहे तुम सब लायक पठिए किमी सब ही कर, कैसे भेज रहे हैं आपको, नहीं भेज सकते आप हमारे नायक हैं। लेकिन तो एक बात कहूं, जिसने काम करना होता है ना वो ज्यादा हल्ला नहीं करता ना। बोलो भाई, सेवा करने वाला ज्यादा हल्ला नहीं करेगा, और जिसको नहीं करना वो रोड़ा काटे खूब मारा है, और रोड़ा काटे दुनिया भर पर। और जिसको करना है, जिसके अंदर सेवा का भाव है, वो कहीं करे रोड़ा गोनी काटे महाराज, वो चुपचाप सेवा में लगा रहता है महाराज, वो लगा रहता है।
अच्छा पहले के जमाने में क्या होता था, सेवा दिखती थी लेकिन सेवक दिखाई नहीं देता था। पंडित जी सेवा तो दिखती थी लेकिन सेवक दिखाई, आजकल सेवक तो घड़ा ही दिखे महाराज, सेवा कम ही दिखे, सेवा कम दिख रही है, सेवक ज्यादा दिख रहे हैं। सबने अपने अपने बल का बखान कर लिया लेकिन जिसने कार्य करना है वो चुपचाप बैठे बैठे क्या क्या कर रहा है। मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राम। हनुमान जी तो बैठे बैठे महाराज कहीं करे राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। और बाकी सगड़ा मैं जा सा मैं 20 योजन जा सा इतो जा सकूं मैं इतो जा सकूं मैं इतो जा सकूं, लेकिन हनुमान जी महाराज सीताराम 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 जय सीताराम। अब जाम मंत्री ने सोचा इनको जगाना पड़ेगा महाराज, और बाबा जी की लेखनी उठी और लिखने लगी कह रीच पति सुन हनुमान कठिन। ये चौपाइयां तो आपको याद है, याद है कि नहीं, तो थारे गाने में जोर पड़ेगे, गाओ प्रेम से। कवन सो काज कठिन जग करने लगे हनुमान जी महाराज। देखो यहां पर हनुमान जी को 3 प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए महाराज। इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन? पहला इंजेक्शन क्या है? पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान। तो हनुमान जी यहां मुंडो करके नीचे बैठे हो महाराज, राम राम कर रहे हैं। ये चौपाई सुनकर के, ये इंजेक्शन सुनकर के हनुमान जी थोड़ा हिले महाराज, थोड़ी कमर सीधी करी, सुनोगे कमर सीधी करी। अंगद जी ने कहा महाराज दवाई काम कर रही है, थोड़ी सी हाई पावर की लगाओ, थोड़ी डोज बढ़ाओ महाराज। ठीक है, अब अगला इंजेक्शन क्या दिया? कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तो तात तुम। ये सुनकर के तो हनुमान जी उठ करके खड़े तो हो गए, लेकिन सुस्ती है अभी। अंगद जी ने कहा प्रभु इंजेक्शन काम कर रहा है, बस थोड़ा सा हाई पावर का लगा दो। जामवंत जी ने कहा अब की ऐसा लगाएंगे कि पूरी फुल डोज दे देंगे अब की। और ऐसा इंजेक्शन कौन सा दिया? तीसरा। बोले राम काज लगी तब अवतारा। अरे बोले हनुमान जी आपका अवतार ही राम काज के लिए। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान हो गए और इतने जोश में आ गए महाराज। ओ सिंहनाद कर बार ही मारा, सिंहनाद कर बार ही मारा, जामवंत में पूछ
हनुमान जी ने अपना होश नहीं खोया। देखो यहां भी बुजुर्ग की महिमा है, वृद्ध की महिमा है, हमें जो भी कार्य करना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों से वृद्धों से पूछ करके करना, क्योंकि उनके पास अनुभव है। महाराज एक बार क्या हुआ, एक लड़की वाले ने ये शर्त रख दी बारात के लिए, बोले बारात लेकर के तो आना लेकिन शर्त ये है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, अगर कोई बूढ़ा आ गया कोई डोकरो आ गया नहीं पाछे कर दिया बारात। अब रिश्ता बहुत अच्छा था तो बोले चलो भाई छोड़ो, लेकिन एक डोकरो तो लारे ही पड़ गया हमारा, बोले मैं तो जरूर जा मारे रुकी जाए गोनी मारे से। लोगों ने बड़ा समझाया, बोले किसी वृद्ध को लेकर के नहीं जाना, लेकिन वो माने ही नहीं, तो बोले एक काम करो, बोले इसे डिग्गी में घाल दो, डोकरे ने डिग्गी में घाल दियो डोकरो, या दो सौ रुपये बैठ गयो मारा। अब बारात वहां पहुंची, जो बारात वहां पहुंची ना, अब कोई वृद्ध नहीं है, कोई डोकरा नहीं है, कोई नहीं आया, सबको पता चल गया। लेकिन लड़की के बाप ने क्या कह दिया सुनो भाई, लड़की के बाप ने कहा देखो शादी एक ही शर्त पे होगी। बोले क्या, बोले गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह दूध बहा दो तो शादी, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। अब तो बारातियों ने सोची कि अब तो ये हमारे बस की बात, बोले चलो भाई पाछे बैठो। महाराज बारात वापस बस में बैठ गई तो किसी ने भीतर से बैठे बैठे कहा, बोले अब तो बारात वापस जा ही रही है, कम से कम डोकरे ने बाहर निकाल लो भाई, पीछे मरे लारे मरे पीछे निकाल लो उसको बाहर। उसको बाहर निकाला गया तो उसने पूछा क्या हो गया, बोले बारात वापस जा रही है। बोले क्यों जा रही है, बोले लड़की के बाप ने कह दिया है कि गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह दूध बहा दो। अरे उस बूढ़े ने कहा अरे यार तुम कैसे लोग हो, इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई बारातें लौटती है। अरे बोले छोटी बात है बहुत बड़ी बात है, बोले जाओ जाकर के उस लड़की के बाप से कह दो कि दूध तो हम बहा देंगे पहले नदी खाली कराओ, इसे खाली कराओ। बोले दूध तो हम बहाएंगे पहले नदी खाली कराओ। और बरातियों ने जाकर के लड़की के बाप से यही कहा, बोले हम दूध बहाने को तैयार है नदी खाली कराओ। लड़की का बाप कहता है जरूर शादी में कोई बुढ़ा आया है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, इनमें इतनी अकल कहां से आ गई। नारायण तो वृद्धों की अपनी महिमा है, तो बूढ़े व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए महाराज, बूढ़े का सम्मान करना चाहिए, वृद्ध की महिमा है। हनुमान जी इतने जोश में आने पर भी हनुमान जी ने होश, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही, इतना करहु तात तुम जाई सीतई देख कहो सुध आई, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि, कपि संग सेन संहार निश्चर राम सीतई आनी है त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी, भव भेषज रघुनाथ जस सुनई ज नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई सिरा, नीलोत्पलतन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनी तास गुणग्राम जासु नाम अग खग बधिक। लो भाई यह कौन सा कांड पूरा हुआ, देखो समय बचा है 15 मिनट का और बचे हैं 3 कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बोलो भाई क्या चाहते हो, सुनो भाई देखो क्या करें भाई, कितना शॉर्ट में कहा, कितने शॉर्ट में कहेंगे महाराज तब यहां तक पहुंच पाए 9 दिन में, ध्यान देकर के सुनो महाराज। अब यहीं से हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं, मंगलाचरण करने के बाद, देखो ध्यान देकर सुनना, मंगलाचरण करने के बाद गोस्वामी जी ने अन्य कांडों में एक दोहा जरूर लिखा है, लेकिन सुंदर कांड में मंगलाचरण करने के बाद कोई दोहा
शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु भणिद्र स्त्री मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम पर्यक्ष रघुपुंगम निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बल धाम महेम शैलावदेयम धनुजवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। अब इसके बाद गोस्वामी जी ने कोई दोहा नहीं लिखा, सीधा क्या लिखा, चौपाई लिखना चालू कर दिया। और यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है और सुंदरकांड हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी की कथा इसमें विशेष तौर पर है। और जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। सुनो, और इस सुंदरकांड को गोस्वामी जी ने कौन से अक्षर से प्रारंभ किया, पहला अक्षर क्या है, शब्द नहीं अक्षर, क्या है, जा, जामवंत के जा, पहला अक्षर क्या है, जा है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा तो होगा महाराज, याद किसी को नहीं होगा, याद बच्चों को याद होगा, क ख ग घ ण च छ। और ये जा जो है ना, ये हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, आठवां अक्षर है, कौन सा है, आठवां अक्षर है। सुंदरकांड को प्रारंभ करते हैं तो जा अक्षर से करते हैं गोस्वामी जी। क्यों करते हैं जा अक्षर से, क्योंकि जा अक्षर जो है वो हिंदी वर्णमाला का आठवां अक्षर है। और मेरे हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नव निधि के हनुमंत हृदय अति। महाराज जिन्होंने पिछली बार हनुमान कथा सुनी होगी, मंदिर में हनुमान कथा हुई थी 7 दिन की महाराज, तो वहां उस सुंदरकांड पर कुछ चर्चा हो पाई थी महाराज, क्योंकि मेरे विचार से सुंदरकांड तो अपने आप में एक अलग विषय है महाराज। एक 9 दिन की कथा सुंदरकांड भी होनी चाहिए, बस तब आनंद आएगा। केवल 9 दिन की कथा केवल सुंदरकांड में तब कुछ सुन पाएंगे सुंदरकांड में। सुंदरकांड महाराज बड़ा सुंदर है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज गए सीता जी की खबर लेने के लिए। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना, ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा है। क्यों भाई, कैसे चले जैसे राम जी का। अच्छा आप लोगों ने बाण चलते हुए देखे होंगे, तो देखे हकीकत में नहीं देखे होंगे तो टीवी पे तो देखे, रामायण में तो देखे कि नहीं देखे। एक इधर से बाण आया, एक इधर से आया, दोनों आकर के फिर एक गायब हो गया। मैं देखा। अच्छा आप सबने बाण चलते हुए देखे हैं, अच्छा किसी ने बाण के पैर देखे हैं, तो वो चलता कैसे। अच्छा ऐसे तो दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो बिना ही पैर के चल रही हैं। अच्छा किसी के घर पे जाओ तो क्या पूछता है, हाँ साहब दूध चलेगा कि चाय, अब बताओ दूध के पैर लगे हैं कोई, दूध चलेगा, लोग बताओ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बोले ऊपर हॉल में क्या चल रहा है, बोले ऊपर हॉल में खाना चल रहा है, तो खाना अरे पकड़ो कहीं चला ना जाए, खाना चल रहा है। अच्छा एक व्यक्ति एक घर पे गया किसी के, तो उसने पूछा बोले दूध चलेगा कि चाय, बोले हमको दोनों ही चलेगा। बोले क्यों, बोले जब तक चाय बने तब तक दूध ही ले आओ, उसके बाद में चाय बनेंगे क्या, हमको दोनों ही चलेगा। तो ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो बिना पैर के चल रही हैं, लेकिन इनके पीछे मर्म क्या है कि चल तो रही हैं लेकिन इनको चलाने वाला कोई और है। बस मानो संकेत ये है कि हनुमान जी महाराज कैसे चले, बोले जैसे राम जी का बाण जा रहा है। बोले भले ही हनुमान जी बाण बन करके जा रहे हैं लेकिन पीछे से चलाने वाले तो श्री राम जी ही है।
राम जी चला रहे हैं, भगवान के ही भरोसे गाड़ी चले, इन संतों के सदगुरु के भरोसे ही गाड़ी चलनी चाहिए महाराज। अरे भरोसे थारे चाले हो सदगुरु म्हारी नाव, अरे भरोसे थारे चाले हो सदगुरु म्हारी नाव। अगर गाड़ी चले जीवन की तो संत सदगुरु और भगवान के भरोसे ही चले। हनुमान जी महाराज चले, अब आगे महाराज समुद्र पार किए, विभीषण जी से मुलाकात हुई, सीता जी का दर्शन किया, रावण आया, डराने लगा, धमकाने लगा, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे गिराई, राम नाम की मुद्रिका देख करके सीता जी को लगा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा बुझाई, श्रवणा मत जी कथा सुनाई, कही सुप्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गये हूँ, फिर बैठी मन विष में भय हूँ, राम दूत में मात जान की, सत्य सफत करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी, नर वानरी संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन ये है, कृपा सिंधु कर दास। महाराज हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, राम जी का विरह कहा, और यही कहते हैं हनुमान जी महाराज, माता जी मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, अब ही मात में जाऊं लवाई, पर प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघु, निश्चर मार तो ही ले जई है, तेही पुर नारदादि जस गई है। हनुमान जी महाराज ने अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। और कथा से आप लोग परिचित ही हैं महाराज, समूची लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा कवि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई कोई श्रम, अब तो कथा ऐसी उसकी महाराज, पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, ये जितने भी आगे आगे बैठे हैं ना, ये सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बोले ये हो क्या रहा है, अब ऐसे ही होगा क्योंकि 10 मिनट बचे हैं। महाराज पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर, मात मोहि दीजे कश्चीना, जैसे रघुनायक मोहि, चूड़ामणि उतार करके दी है हनुमान जी लेकर के आए, और महाराज समुद्र के किनारे पहुंचे, पुल का निर्माण हुआ, विभीषण जी की शरणागति हुई है, उपाय बता दिया, नाथ नील नल कपित उभाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तो ये उपाय मिल गया, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप, सकल मंगल दायक रघुनायक गुणगान। इससे फास्ट आपने सुंदरकांड आज तक नहीं किया होगा, हमारा बोलो भाई, ये फास्ट नहीं है, ये सुपर डुपर फास्ट है भाई, अब क्या करें हमारे, हमारी मजबूरी है, अब आगे चलो। हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम जी की कृपा से हमारा पुल का निर्माण हुआ, सारी वानरी सेना लंका में पहुंची, अंगद को भेजा गया, जाओ मेरा कार्य करके आओ, अंगद गया। अब इसे देखो एक बात है, यहां पर बाली मारा गया राम जी के हाथों, और इस बात को रावण खूब अच्छे से जानता है, खूब अच्छे से, लेकिन जान बुझ करके वो दुख को कुरेदने के लिए क्या कहता है अंगद से, कहो बेटा अंगद तुम्हारे पिताजी के क्या हाल चाल है, बाली कैसा है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि बाली मारा जा चुका है। तो जानते हो अंगद ने भी क्या जवाब दिया, अंगद ने कहा रावण मुझसे क्या पूछ रहे हो, अभी 10 दिन के बाद तुम भी वहीं चले जाओगे, खुद ही जाकर के पूछ लेना मेरे पिताजी कैसे हैं, क्योंकि तुम भी वहीं जाने वाले हो थोड़े दिन बाद। आपस में संवाद हुआ, अंत में
अंगद जी ने अपना पैर टिका दिया, जो मम चरण सकस सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। महाराज किसी से अंगद का पैर नहीं हिला तो रावण अंगद का पैर पकड़ने के लिए आया तो अंगद ने पैर पीछे कर लिया, कहा कि मूर्ख यहाँ तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो वहां जाकर के करना है, अगर चरण ही पकड़ने हैं तो मेरे नहीं राम जी के पकड़ ले जाकर के, अगर पैर ही पकड़ना है तो मेरा नहीं राम जी का पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद को राम काज में सफलता नहीं मिली, अंतगत युद्ध अनिवार्य हो गया और युद्ध अनिवार्य हुआ, हमारा सब राक्षसों का संहार वानरी सेना के द्वारा किया गया। महाराज वानरी सेना का संहार हुआ, कुंभकर्ण का महाराज संहार हुआ है, मेघनाद ने शक्ति ऐसी चलाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, तब श्री हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेकर के आए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम बम प्रिय भरत सम। फिर पुनः लक्ष्मण जी का मेघनाद जी का युद्ध हुआ, मेघनाद मारा गया, अंत में रावण युद्ध करने के लिए आया, नाभि पीयूष कुंड बस जाके रावण को राम जी बहुत लीला करके मारना चाहते लेकिन मर नहीं रहा है, तो विभीषण जी ने जाकर के बताया महाराज इसकी नाभि में अमृत है, भगवान तो लीला कर रहे थे, भगवान तो उसके अमृत को सुखो दिया और रावण की भी महाराज अंतगत्वा मृत्यु हुई। मंदोदरी को बहुत प्रकार से समझाया है, अंत में विभीषण जी को राजगद्दी पर बिठाया गया और विभीषण जी कहते हैं प्रभु अब कुछ दिन के लिए आप अंदर चलिए बैठिए रहिए, राम जी ने कहा अगर मैं एक क्षण भी लेट हो गया तो अपने भरत को जीवित नहीं पाऊंगा, मेरे भरत ने मुझसे वचन लिया है कि अवधि पूरी होने तक मुझे अयोध्या में पहुंच जाना है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो अपने भरत को जीवित नहीं पाऊंगा, तोर कोष गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहे निमिष कल्प सम। मेरा एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है इसलिए अब तो मुझे जाना होगा। पुष्पक विमान पर राम जी बैठे, सभी बंदर भालुओं को बिठाया, मुख्य मुख्य विभीषण जी को बिठाया है और हनुमान जी को पहले ही भेज दिया, जाओ जाकर के भरत को खबर कर दो कि मैं आ रहा हूँ, और भरत जी महाराज के पास हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेके आए हैं और आकर के उन्होंने खबर दी है, त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन विमान में राम जी बैठ के आए हैं, हनुमान जी ने पहले ही खबर कर दी भरत जी को, भरत जी अयोध्या आए तुरंत दौड़ करके सबको खबर करी कि राम जी आ रहे हैं, और यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, अपने सुंदर मनोहर नगर का दर्शन कराने लगे महाराज जी, अपने सुंदर मनोहर नगर का दर्शन कराने लगे, अयोध्या का दर्शन करके बंदर भालू बहुत राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए महाराज, और नारायण राम जी सबसे मिले, भरत जी से भेंट हुई, अब किसी ने गुरु जी से कहा गुरु जी अब विलंब ना करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए और महाराज का तिलक करीजिए, अब विलंब किस बात का है, प्रभु ही बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत ही दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा गया और उस पर श्री सीता राम जी विराजमान हुए हैं, और सबसे पहला जो तिलक किया है वो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सबसे पहला तिलक किया है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, वशिष्ठ मुनि की पुनि
आसन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंदु भी बजाए। इसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई महाराज। और आगे ये जो गरुण जी का और काकभुशुंडी जी का संवाद है, गोस्वामी जी ने ये लिखा है महाराज। काकभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को ऐसी राम कथा सुनाई कि उनका सारा संशय और भ्रम ही दूर हो गया महाराज। सारा संशय और भ्रम दूर हो गया राम कथा सुन करके। और गरुण जी महाराज पंख फुला करके वहां से चले गए। और अंत में श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। ये अंतिम दोहे हैं, पहले मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा, ठीक है? सभी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। मोसम दीन न दीन हित, बोलिए सब लोग। मोसम दीन न दीन हित, मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर, कामी नारी प्यारी जिमी, नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। देखिए ये राम कथा जो है महाराज, ये विश्वास से विश्राम तक की यात्रा है। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं इस राम कथा को कहकर कि मुझे परम विश्राम मिल गया, पायो परम विश्राम। तो ये विश्वास से लेकर के और विश्राम तक की यात्रा का नाम ही राम कथा है। अब देखो कुछ बातें दो चार हमें कहनी है, वो हम अपने मन की बात कह देते हैं आपसे महाराज। देखो देखिए एक साल पहले ही ये कथा निश्चित हो गई थी महाराज। जैसा कि आपको बसंत जी ने बताया था ना परसों कि एक साल पहले जब 16 दिसंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक घोटे वाले हनुमान जी के मंदिर में श्री हनुमान जी की कथा हुई थी महाराज, हनुमंत कथा हुई थी। और वो साथ ही कथा बड़ी जोरदार हुई, बड़ा सुख मिला कह के महाराज, बहुत आनंद आया उस कथा में। तो उसी कथा में हमारे मन में ये भाव आया कि भाई एक हनुमान कथा तो हो गई, अब एक राम कथा। अब हनुमान जी को, हनुमान जी की कथा तो राम जी को सुना दी, अब राम जी की कथा किसको सुनानी है? अब घोटे वाले हनुमान जी को सुनानी है। तो मन में ऐसा भाव आया, जब दो चार जगह चर्चा हुई तो महाराज, तो ये सत्य संकल्प हमारे ठाकुर जी ने इन सोनी परिवार के हृदय में उजागर कर दिया महाराज। तो उसी समय ये निश्चित हो गया कि सुंदरकांड मित्र मंडल इसका आयोजक रहेगा और सोनी परिवार इसके साथ मिलकर के सुंदर राम कथा का आयोजन करेगा। और दिसंबर के बाद मार्च या अप्रैल में ही इसकी तिथि निश्चित हो गई थी। 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये दिव्य श्री राम कथा आपके लिए प्रस्तुत की गई महाराज। और नारायण हम तो अपनी बात आपसे कहें, हम तो सच्ची बात कहें, 4 घंटे का समय था कथा का, लेकिन हमारे 4 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था महाराज। ये 4 घंटे ऐसे ही बड़े प्रेम से निकल गए, अभी मन की मन में ही रह गई। अभी लगता है कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये तो कहा ही नहीं, ये तो कहा ही नहीं, बहुत कथा बाकी रह गई, लेकिन समय का अभाव है। पहले दिन से ही हमने कथा इतने संक्षेप में करी है कि तब यहाँ तक हम लोग पहुंच पाए हैं। नहीं तो महाराज सच्ची बात कहें, अगर थोड़ा विस्तार से कथा हो तो 9 दिन में केवल बालकांडी हो पाएगा बस महाराज, राम जी को वनवास होगा ही नहीं। तो नारायण को सब प्रसंगों को स्पर्श करना था, इसलिए ये भाव रखा गया। हमारे जो संस्था के हमारे अध्यक्ष जी हैं शिवरतन जी और मंत्री गोपाल जी बराबर हमारे संपर्क में रहे, बराबर इनसे ही बात होती रहती थी। और गोपाल जी तो हमको बार बार कहते थे फोन करके, बोले महाराज जोरदार कथा होनी है, सोनी परवर का जी सोलो करनो है महाराज।
बोले कर दे, मैं कहा सर जी सोलो कर दे, क्या घबराओ महाराज जी। मैं कहा सोनी परिवार क्या पूरे गांधीनगर का जी सोलो कर दूं महाराज, मैं तो कोई दिक्कत को नहीं। तो हमें कहा जैसी हमको आती टूटी फूटी सुनाएंगे भाई, जैसी भी है। तो सच में सही बात तो यह है कि आप लोगों को कथा सुना करके महाराज इस दास को बहुत सुख मिला महाराज, बहुत आनंद आया महाराज। तो एक बार अब मेरी बात को सुन लीजिए थोड़ा, एक बार जोरदार ताली आपको बजानी है सबसे पहले सुंदरकांड मित्र मंडल के लिए महाराज, जिसने इस कथा का पूरा मैनेजमेंट संभाला महाराज, संस्था के सभी कार्यकर्ता जो अपने पूरे मनोयोग से लगे रहे, और जिसमें हमारे मुख्य रूप से जो अपने अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, गोपाल जी हमारे, ये पूर्ण मनोयोग से सब लोग लगे रहे। तो ये जोरदार ताली किसके लिए बजाई गई, सुंदरकांड मित्र मंडल के लिए। अब की जो ताली बजानी है सोनी परिवार के लिए बजानी है महाराज। इन्होंने भी बहुत अच्छा महाराज, महाराज कोई भी अच्छा काम करो तो पीसा लागे, पीसा यहाँ बिना काम होएगे महाराज। तो भाई तो इनका धन जो है अच्छे काम में लगा सोनी परिवार का, तो ये ताली उनके लिए। अब की जो ताली बजानी है बता दू किसके लिए बजानी है, अच्छा गैस करो। अब की जो ताली बजानी है अपने लिए बजा लो महाराज। अरे अपने लिए जोर से बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई। आप कहोगे हमारे लिए ताली क्यों बजवाई, इसलिए बजवाई है कि आपने भी 9 दिन तक अपना अमूल्य समय दिया है, एक अच्छा काम किया है आपने महाराज, आपने भी एक अच्छा कार्य किया है। तो महाराज अपने लिए ताली बजाइए आप। और नारायण ज्यादा विशेष अब मुझे क्या कहना है महाराज, इस कथा में बड़ा सुख मिला। एक बार मैं पुनः व्यासपीठ पर बैठ करके अपने हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री घोटे वाले हनुमान जी के चरणों में, अपने प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि इस सोनी परिवार के जीवन में सदा मंगल ही मंगल हो। और ये अभी कोई हमसे कह रहा था, बोले महाराज कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। तो हमने उनसे कहा कि ये गलती तो हर साल किया करो, क्या दिक्कत है, ये गलती तो हर साल होनी चाहिए भाई, अगर ये गलती है तो हर साल करो इसको नारायण। तो यही आशीर्वाद है कि इनके पूरे परिवार को। अब एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, अब सोनी परिवार मतलब बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब आ गए इसमें नारायण। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। हमारे संस्था के जो कोई भी महाराज कार्यकर्ता है, अधिकारी है, ट्रस्टी है, जो कोई भी है, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा, तो उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो सब में सब आ जाते हैं महाराज। और अंत में जो ये सब व्यवस्थाएं संभाली गई महाराज, किसी ने टेंट की व्यवस्था को देखा, किसी ने साउंड की व्यवस्था को देखा, और किसी ने ये वीडियोग्राफी की व्यवस्था को देखा, तो इन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके बाद हमारे सभी कलाकार बंधु जिन्होंने इस कथा को खूब सजाया महाराज, खूब अच्छे से निभाया, तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाओ महाराज। कथा में रस तो इनकी वजह से आ रहा है, कथा में जो रस आ रहा है वो संगीत की वजह से आ रहा है, क्योंकि संगीत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है महाराज। तो इनको भी बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी को। और जिसने भी जो कोई व्यवस्था देखी है, कोई प्रसाद बांटने की व्यवस्था में था, कोई जूता चप्पल की सेवा में था, कोई ऑफिस में बैठ करके सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है व्यासपीठ से। क्यों भाई, अच्छा अब एक बात बताओ, कुछ देने लेने की बातें कर लूं क्या, बोलो भाई। नहीं घबरा गए बस इतने में ही, हे भगवान बड़े कंजूस आदमी है सब लोग भाई, खुल के कर ले, कुछ देने लेने की बातें कर लेते हो। देखो आपको मिल तो गया आशीर्वाद, अरे घबराओ नहीं, कोई आपकी संपत्ति थोड़ी मांग रहे हैं लोग। कुछ आगे वाले घबरा गए, बोले पता नहीं क्या मांग लेंगे, पता नहीं। सुनो भाई हमें आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस आप जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके इस दास को यही आशीर्वाद दीजिए, 3 आशीर्वाद दीजिए आप लोग। कितने, देखो देने में कंजूसी मत करना, मन से आशीर्वाद देना सभी लोग, बस यही 3 आशीर्वाद दीजिए कि तन से स्वस्थ रहे, कार्यक्रम में व्यस्त रहे और कथा में मस्त रहे, बस यही आशीर्वाद आप हमको दीजिए महाराज।
क्योंकि हमने तो एक ही सूत्र समझा है, अगर मस्त रहना है तो व्यस्त रहो महाराज, अगर व्यस्त नहीं हो तो फिर मस्त नहीं रह पाओगे महाराज, अगर मस्त रहना है तो क्या रहो, अपने को व्यस्त रखो महाराज, यही सबसे बड़ा सूत्र है जीवन का, मस्त रहो तो व्यस्त रहो तो मस्त रहो महाराज। तो यही आप सब मिलकर के आशीर्वाद दीजिए, क्यों भी दिया कि नहीं दिया आशीर्वाद, दे दिया ना, दिल खोल के दियो कि नहीं दे दिए महाराज, कंजूसी तो नहीं करी, तो बस यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। और अब जो भी आगे देखिए, एक एक निवेदन और कर दूं मैं, देखिए थोड़ी आज संख्या ज्यादा है भक्तों की, तो माताओं बहनों से मेरी एक विनती तो यह है कि बीच में कोई नहीं उठेगा, सब लोग आरती करके जाएंगे आज, एक आध भजन वजन गा करके आइए, प्रेम से भगवान का स्वागत कर लेते हैं। भैया आवाज खोल दो थोड़ी सी, बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की। आप लोगों ने खारो खारो तो बहुत सुने हो सी महाराज, क्या खारो खारो तो बहुत सुने, अब की थारे मीठो मीठो सुनाऊं महाराज। अरे सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। गजधानी लागे, गजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। कौशला धन के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन मेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन मेले चारों भैया। मालिक बैठे कनक कमल के अंदर, स्वयं जगत के मालिक जजे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीता सीता रामनी की शोभा सुख भाई।
हनुमन गली गली में डोले हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे मस्तानी लागे दरबार लगा है और उनसे क्या मांगना है दोनों हाथ ऊपर करके जितने हैं ऊपर और ऊपर करके और ठाकुर जी से क्या मांगो अरे ते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा ना हो तो दीजिए सांवरियो है से सांवरियो है से भारी राजी से भारी सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से खाली है
ये राम कथा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम लोग समर्पित कर रहे हैं। महाराज किसके चरणों में? श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और एक बार दोनों भाव से हाथ उठा करके और हनुमान जी महाराज को ये कथा समर्पित करें और भाव से गाएं। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का खाए है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके दुनिया में जय जय दुनिया में जय जय दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पायन अंजनी लाल, पलोटत पायन अंजनी लाल, रखी पद होत निहाल, रख पद बन कज होत निहाल। कहत रघुराई धन सेवकाई, कहत रघुराई धन सेवकाई, पवन सुत वीवर धारी के, दयामयी जनक दुलारी।
पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई गल सेवकाई, कहत रघुराई गल सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी के दयामयी जन कठुराई, आरती अमर बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, भरत जूठारे भाव विभोर, भरत जूठारे भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखे मुख चंद्र चंद्र लित आनंद, धन्य शोभा धनु धारी के दयामयी जनक दुलारी, आरती अमन बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे पावे पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे पावे, शरण राजेश प्रवे अवधेश, शरण राजेश प्रवे अवधेश, बोलिए जय भय हरि के दयामयी जनक दुलारी, आरती अमन बिहारी की दया आरती गिर भगवान लगाई, दुष्ट गल रघुनाथ प्रधानी, जाति बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट लगावे, अंजनी पूत महाबल दाई, सकल के प्रभु सदा सहाय, देवी पवन सुत बाद नलाय, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण दूषित बड़े सहारे, हर सजीवन प्राण उबारे, बेटी पवन गोरी जमनारे, रावण की भुजा उखारे, आए भुजा असुर संत जलकारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे, कंचन दान कबूल उचारे, भरत नरत रंग जलावाए, जो हनुमान की आरती गावे, बस में कुंज परम पद पावे, हृदयारविंदे भवम भवानि सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, मम देव देव